नमस्कार, गुड इवनिंग, वेरी वेलकम टू आवर शो एंड लाइव यूट्यूब ब्रॉडकास्ट ऑन फ्लेयर्स यूट्यूब चैनल। आज का जो चर्चा है उसका विषय है ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। और आज के चर्चा में हमारे दो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर कार्निका सेठ जो साइबर लॉ की एक्सपर्ट हैं और एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और राजमंगल प्रसाद सर जो कि टेक्निकल एडवाइजर हैं दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन। आप इन दोनों को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे जो कोई भी इन शो पे देख रहे हैं। ये हमारे आज के एक्सपर्ट्स हैं और जो हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं वो भावना शर्मा हैं, वो सीनियर फेलो हैं, फ्लेयर के साथ काम करती हैं और पीएचडी कर रही हैं लॉ पर ही। उनका विषय साइबर बुलिंग है और वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में लॉ की। हमारे साथ हैं वर्षा सिंह जो कि स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं बेसिक फाउंडेशन का झारखंड में, और हमारे साथ हैं रमनिका पारदर्शिता से दिल्ली में काउंसिलर हैं डीसीडब्ल्यू के प्रोजेक्ट पे। आज का जो विषय है इसको बहुत सारे लोग जो हमारे सेक्टर पे काम करते हैं और सेक्टर के बाहर भी काम करते हैं, ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, जब भी इस विषय पे बात होती है तो मुझे बहुत से लोगों से सुनने में मिलता है कि ये ऑनलाइन 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 क्या है, क्या कुछ सेक्सुअल अब्यूज ऑनलाइन भी हो सकता है क्या, ये ऑनलाइन क्या होता है, क्या स्क्रीन से या किसी तरीके से हो सकता है। तो मैं इस बात को बहुत क्लियर कर देता हूँ कि ऑनलाइन अब्यूज जो अब्यूज का कंपोनेंट है ऑनलाइन में बहुत कम है, एक्सप्लॉयटेशन का, ट्रेड का, ब्लैकमेलिंग का ये बहुत ज्यादा है थ्रू इमेजेस और मटेरियल्स और वीडियोस। जो अब्यूज ऑनलाइन होता है वो ग्रूमिंग होता है या लाइव स्ट्रीमिंग पे होता है या ब्लैकमेलिंग होता है, वो लाइव जब ऑनलाइन होता है, सिंक्रोनस लाइव जब होता है ऑनलाइन। लेकिन ऑफलाइन में जो चीजें होती हैं फिजिकल, जो अब्यूज होता है उसकी अगर रिकॉर्डिंग बन जाए, इमेजेस बन जाए, जिसको हम जनरल भाषा में, नॉन टेक्निकल भाषा में जिसको हम चाइल्ड पोर्नोग्राफी बोलते हैं, पर टेक्निकली करेक्ट टर्म जो होता है वो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल होता है, चाहे इमेजेस हैं या वीडियोज हैं। तो ये ध्यान देने की बात है कि जब आज से करीब 10-12 साल पहले जो इमेजेस और वीडियोज होते थे वो प्रीडोमिनेंटली डिजिटल फॉर्म में नहीं होते थे, वो निगेटिव होता था, उसका प्रिंट होता था या ज्यादा से ज्यादा सीडी पे आता था या पेन ड्राइव पे होता था वो। पर अभी जो डिवाइसेस इमेजेस और वीडियोस के लिए यूज हो रहे हैं वो वही डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड होता है और काफी अच्छे स्पीड के इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। ज्यादातर जो इमेजेस आजकल और वीडियोज बनते हैं वो मोबाइल या स्मार्टफोन से बनते हैं और उसी डिवाइस पर ही वो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, उसको अलग से कुछ कनेक्ट नहीं करना पड़ता है। तो उसका जो ट्रांसमिशन है वो बहुत तेजी से और आसानी से होता है। और इसमें ये ध्यान देने की बात है कि जो भी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल है, रिसर्च ये बताता है कि करीब 1/3 या उससे थोड़ा सा ज्यादा यूजर जनरेटेड होता है। यूजर जनरेटेड का मतलब ये कि या तो व्यक्ति ने, लड़के या लड़की ने खुद से उसे बनाया है या आपस में कंसेंसुअल वे में वो बना हुआ है। और कुछ बहुत सारी चीजें जो वहां खुद से कहीं पर वो शेयर कर लेते हैं क्लोज्ड सर्किट में, लेकिन वो वहां से निकल करके बहुत बारी बाहर चला जाता है, या कभी कभी वो जो परपेट्रेटर होता है या जो क्रिमिनल एलिमेंट होता है वहां से भी ये जनरेट होता है या हैक करके वहां से निकलता है ये मटेरियल। पिछले कुछ दिनों में जब से ये कोविड वाला सिचुएशन आया है जहां पर बहुत ज्यादा लॉकडाउन है और बहुत ज्यादा स्क्रीन पे समय व्यतीत हो रहा है, तो बहुत सारे रिसर्च ये बोल रहे हैं कि करीब 106% का इंक्रीज हुआ है, और करीब पिछले एक महीने में इंडिया में ही 3.5 मिलियन सर्चेस हुए हैं, वर्ल्ड ओवर करीब 11 मिलियन सर्चेस होते हैं। तो ये काफी बढ़ा है, ये काफी चिंता का विषय है। शुरुआत में जब लॉकडाउन हुआ था तब कंप्लीट लॉकडाउन था, तो जो पेरेंट्स थे या गार्जियंस थे
वो घरों में मौजूद होते थे उन डिवाइसेस पे जब डिवाइसेस बच्चे यूज करते थे, पर जब लॉकडाउन हटा और हम अनलॉक वन और टू में गए तो बहुत इंस्टेंसेस ऐसे देखने को मिल रहे हैं जहां पे बच्चे तो घर में हैं क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं, पर पेरेंट्स बाहर जा रहे हैं और बच्चे अनसुपरवाइज्ड यूज कर रहे हैं। तो बच्चे आदतन भी, ये चाइल्ड साइकोलॉजी और एडोलेसेंट साइकोलॉजी में ये समझा जाता है कि बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं और बहुत बारी एक्सपेरिमेंट सेक्सुअल एक्टिविटी पे भी एक्सपेरिमेंट होता है, और जो इमेजेस और वीडियोस का जो एक्सपेरिमेंट होता है और एक्सचेंज होता है उसको हार्मलेस समझते हैं बच्चे, और जनरली इसको हार्मलेस या लेस हार्म का समझा जाता है। लेकिन जब ये इमेजेस और वीडियोस एक्सचेंज हो जाते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं, गलत हाथों में पड़ जाते हैं और उसके ऊपर ब्लैकमेलिंग होती है और अनइंटेंडेड यूजेस होता है, तब वो एक ऐसे रास्ते पे चला जाता है जहां पे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसके बारे में आज हम डिस्कशन ये करेंगे कि इस पे लॉ का क्या पोजीशन है, लॉ इन्फोर्समेंट जो मशीनरी है, क्योंकि लॉ का पोजीशन जहां तक मेरी समझ है डॉक्टर कर्णिका के साथ बात करते हुए, हमेशा वो आश्वस्त करती हैं कि लॉ का पोजीशन इतना बुरा नहीं है इन टर्म्स ऑफ जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन जो हमारे पास जो मशीनरी है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उसको जो यूज करने वाले जो लोग हैं उनको इसकी समझ कम है, खास करके हमारे पुलिस में और जो सेशन कोर्ट लोअर कोर्ट्स में इसकी ज्यादा समस्या है। इन शब्दों के साथ मैं डॉक्टर कर्णिका को इनवाइट करता हूं कि वो इसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालें। आज का हमारा जो डिस्कशन है वो मूलतः हिंदी में होगा, जहां पे कुछ टेक्निकल ऐसी जानकारियां देनी होंगी या ऐसे जो टर्म्स होंगे वहीं पर हम सिर्फ इंग्लिश का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे आज के जो दर्शक हैं और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो ज्यादातर हिंदी समझने वाले हैं। कर्णिका जी प्लीज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी इस प्रोग्राम में निमंत्रित करने के लिए, क्योंकि ये एक विषय ऐसा है जो हम सभी को बहुत ही हमारे लिए जरूरी है डिस्कस करना, और हम सभी के कंसर्न में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन चुका है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं एनीमोर, चाहे वो लॉ इन्फोर्समेंट हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो टीचर्स हो या वेलफेयर वर्कर्स हो जो इस एरिया में काम करते हैं या टीचर्स हो। सो बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें इसमें बात करने का मौका मिला है, और हम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें आपसे शेयर करना चाहेंगे जो भी दर्शक आज ये चीज़ें देख रहे हैं इस वेबिनार को, क्योंकि जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ है पहले होता था कि सिर्फ ऑनलाइन नहीं होता था, ऑफलाइन मोड में होता था। अब ऑफलाइन जो मोड है उसमें तो फिजिकल हार्म या बॉडी हार्म के रिलेटेड एस्पेक्ट्स देखे जाते थे कि क्या एक्ट हुआ है, वेदर इट इज कैसे कोई रेप हो गया या कोई और तरीके की किसी को इंजरी, बॉडी इंजरी पहुंचाना या कोई एक्सप्लॉयटेशन या अटैक या असॉल्ट होना। लेकिन इस जमाने में जबकि हम सब डिजिटल वर्ल्ड में हैं, उस टाइम पे किस तरीके से मानसिक तौर पे भी एक इंजरी हो सकती है। एक इंजरी जो है, अगर आप IPC में देखेंगे इंजरी की जो सेक्शन 44 में जो डेफिनेशन दी गई है उसमें ये कहते हैं कि इंजरी हर तरीके से हो सकती है, बॉडी के तरीके से हो सकती है, बॉडी पे या उसकी प्रॉपर्टी पे, किसी की प्रॉपर्टी पे हो गई या फिर किसी की मानहानि करके हो सकती है, या इवन किसी को मेंटल ट्रॉमा या एक कहते हैं ना इंटिमिडेशन पहुंचा के, किसी को धमका करके या थ्रेटन करके भी पहुंच सकती है। तो उस संदर्भ में अगर हम देखें तो जो ऑनलाइन वर्ल्ड में जो इतनी तरीके की कहते हैं ना मानसिक परेशानियां जो बढ़ गई हैं बच्चों को लेकर के, चाहे वो गेमिंग कर रहे हो या आज की डेट में ऑनलाइन स्कूलिंग कर रहे हो या सोशल मीडिया पे हो, उनको बहुत सारे तरीकों से जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो अपनी सही पहचान छुपा लेते हैं टूल्स के जरिए, टेक्निकल टूल्स के जरिए, सॉफ्टवेयर के जरिए, और एक फेक नेम और एक आइडेंटिटी या फोटोग्राफ को यूज करके बच्चों से वो जान के उनको एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, और फिर जब वो फ्रेंडली बातें करना शुरू करते हैं बच्चे ये सोचते हैं कि वो रियल पर्सन है जिससे वो बात कर रहे हैं, और वो अपनी फ्रेंडशिप को धीरे धीरे आगे बढ़ाता है वो क्रिमिनल, या तो उनसे कोई फाइनेंशियल डेटा ले लेता है, अगर बच्चे क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं वो CVV नंबर और OTP भी शेयर कर लेते हैं,
या वो बच्चों को पहले उनसे बातचीत बढ़ा करके, जिसे ग्रूमिंग कहा जाता है, उनसे एक सेल्फी भेजने को कहेंगे या कोई इस तरह की पिक्चर या वीडियो बना करके भेजें जो अश्लील हो, और वहीं से सारी एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाती है। जैसे ही वो बच्चा शेयर कर लेता है, स्पेशली विमेन जो है, गर्ल्स हैं, हमने देखा बहुत सारे केसेस मैंने खुद हैंडल किए हैं जिनमें ये प्रॉब्लम्स आए हैं, और बच्चे ने वो शेयर कर दिया और बाद में उसी साइबर क्रिमिनल ने उसको जगह जगह वेबसाइट्स पे डाला, जगह जगह उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करी सोशल मीडिया के जरिए, उन फोटोग्राफ्स को इवन टैग भी करा। तो उस वजह से जो मानसिक तौर पर उस बच्चे पे या उसके डिप्रेशन हुआ या ट्रॉमा हुआ, इवन सुसाइड तक केसेस हुए हैं, हमने रिपोर्ट्स देखे हैं मीडिया में। तो ये एक छोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है जिसको एक सीरियस डिस्कशन की जरूरत है, और वही हम आज कर रहे हैं। जो लॉ है, हमारा लॉ है कंट्री में, जिसे हम पॉक्सो कहते हैं, जो प्रिवेंशन ऑफ यू नो अगेंस्ट सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट दी सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट, एंड उसमें आप देखेंगे कि जो धाराएं हैं, जैसे सेक्शुअल हैरेसमेंट को लेकर के धाराएं हैं, सेक्शन 11 है, 12 है, आप उनको देखेंगे तो 3 साल तक की सजा है। और जो एक बच्चे को अप्रोच कर रहा है वर्बली, किसी को डरा धमका भी सकता है कि हम ये फोटोज वायरल कर देंगे अगर आपने ये नहीं बताया, या कोई सेक्शुअल ऑब्जेक्ट दिखा करके उसको परेशान करना या वर्बली कुछ बोलना, किसी भी तरीके से ये हो सकता है, उसको स्टॉक किया जाए। स्टॉकिंग का मतलब उसे फॉलो करना जगह जगह पे, जो ऑनलाइन एक्टिविटी वो कर रहा है। और वो कैसे करते हैं क्रिमिनल्स, वो एक ट्रोजन या कोई एक मैलवेयर लगा देते हैं उनके सिस्टम में, कोई व्हाट्सएप पे या किसी और तरीके से कोई लिंक भेज देंगे, जो कि एक गलत लिंक होगा। उस लिंक से क्या होगा कि उसका सिस्टम जो है करप्ट हो जाएगा इन सच अ वे कि हैकिंग हो जाएगी, जिससे कि जो भी वो बच्चा उस डिवाइस पे कर रहा है, चाहे वो सिस्टम लैपटॉप हो, आईपैड हो या कोई मोबाइल फोन हो, जो भी वो उस पे कर रहा है, वो सारा उस पर्सन को विजिबल होगा। फिर वो उससे बातचीत में वही इंस्टेंसेस पूछेगा, आज तुमने ये किया, आज तुमने वो किया, तो बच्चे को रियलाइज होगा कि वो स्टॉक हो रहा है, और उससे जो ट्रॉमा क्रिएट होता है, डिप्रेशन और जो एंजाइटी क्रिएट होती है, वो पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाते या टीचर्स से शेयर नहीं कर पाते, और तभी ये प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई हो चुकी हैं। बच्चे अपने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते और वो अलूफ हो जाते हैं या वो आइसोलेशन में चले जाते हैं, जो कि बहुत ही उनकी हेल्थ के लिए एक सीरियस मैटर हो जाता है। सो इस तरह की जो सेक्शुअल हैरेसमेंट है, उसमें 3 साल तक की सजा और फाइन है। और उसके अलावा चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्रिएट करना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी बच्चों की अश्लील तस्वीरें लेना, बच्चों की अश्लील वीडियो बनाना, वो भी एक बहुत ही हीनस क्राइम है। आईटी एक्ट की धारा देख लेंगे 67B, और आप इवन जो पॉक्सो की धारा है उसमें भी जो है सेक्शन देखेंगे 13-14, आप उसमें भी 5 साल की सजा या ज्यादा सजा है, और दोबारा सेकेंड कन्विक्शन पे और भी ज्यादा सजा है। तो ये कानून तो है कंट्री में, लेकिन कहते हैं कि ना इन्फोर्समेंट इज अ चैलेंज। जैसे हम किस तरीके से इस लॉ को, कानून को आगे इन्फोर्स कर सकें, कि ताकि हमारी पुलिस फोर्स उस चीज को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करे। एक होता है माइंडसेट, मैं पेरेंट्स को फर्स्ट लेती हूँ या टीचर्स को लेती हूँ, माइंडसेट कि हम रिपोर्ट करें या ना करें, ये बहुत बड़ी एक मुद्दा बन जाता है कि मैंडेटरी रिपोर्टिंग जो है, लोगों को पता ही नहीं है कि मैंडेटरी है ये रिपोर्ट करना। अगर आपको पता चलता है कि किसी बच्चे के साथ ऐसे कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, लोग उसे छुपाते हैं आज भी सोसाइटी में, उस पे इन्फॉर्म नहीं करते पुलिस को कि भाई ये इस तरीके से हो रहा है। अब कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, NCPCR है, पुलिस हो गई, फोर्स हो गई, NGOs हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, किसी की भी मदद लें, नेशनल हेल्पलाइन है 112, नेशनल पोर्टल जो ऑनलाइन है cybercrime.gov.in, एविडेंस के साथ उसे फाइल करिए। जरूरी है ये रिपोर्ट करना, और ना रिपोर्ट करने से हमारा ही नुकसान है। उसमें सिर्फ एक चिंता ज्यादा होती है कि बच्चे की मानहानि होगी, फैमिली को डिफेमेशन पहुंचेगा, उसमें बच्चे का नाम गुप्त रखा जा सकता है, और कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी बच्चे चाइल्ड फ्रेंडली हो चुकी हैं, इन कैमरा प्रोसीडिंग्स कहलाती हैं, अलग से उसकी सुनवाई होती है। तो ये जरूरी नहीं है कि और ये मतलब ये मिथ है कि बच्चे की पूरी डेफेमेशन हो जाएगी, फैमिली का नाम खराब होगा, ऐसा नहीं है। सो कानून में भी बनाए गए हैं प्रोविजंस इस चीज को ध्यान में रखते हुए।
तो ये चीज भी मैं शेयर करना चाहूंगी। फिर जो पुलिस फोर्स है, अब उनका भी माइंडसेट हम चेंज कर रहे हैं। हम जब ट्रेनिंग्स देते हैं, जैसे मैं खुद नेशनल पुलिस एकेडमी है या अपने जो लिप्सिट है, हम वहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं, ये वुमेन मिनिस्टर वुमेन चाइल्ड ट्रेनिंग्स देते हैं, उनमें भी हम जाते हैं और ये समझाते हैं, ये एक्सप्लेन करते हैं पुलिस फोर्स को कि भाई ये सोशल मीडिया पे जो क्राइम्स हो रहे हैं या ऑनलाइन क्राइम्स हो रहे हैं वो भी उतने ही सीरियस हैं, क्योंकि उनके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत सीरियस हैं। बच्चा गलती से भी अगर शेयर ना करे और फिर वो सुसाइड कर सकता है, और इतने सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस के लिए हम क्या कुछ नहीं करेंगे, वो भी ऑफलाइन क्राइम के जितने ही सीरियस हैं और उस पर उतनी ही कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये ज़रूरी है, हमें पुलिस फोर्स को भी बता रहे हैं हम ये चीज़ें। और आम तौर पर हम देखेंगे पेरेंट्स, टीचर्स, बच्चों तक हम ये बात करें, क्योंकि उनकी पार्टिसिपेशन के बगैर ये कानून सामने प्रॉपर वे में सक्सेसफुली हो, ये होना मुश्किल है। इसलिए बच्चों की पार्टिसिपेशन, बच्चों को कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हमारे पास कानून है हमारी मदद के लिए, अगर हम मदद चाहें हमें कानून से, हमारे अपने देश से हमें प्रोटेक्शन मिल सकती है, वो हम बताना चाहते हैं बच्चों को। और एनसीआरबी की स्टैटिस्टिक्स आप देखिए, एनसीआरबी की स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो बच्चों को लेकर के ऑनलाइन मीडिया में कितना क्राइम रेट बढ़ गया है वो आपको समझ में आएगा। पिछले ही साल 2018 की फिगर्स देखूंगी तो 40,000 के करीब केसेस, बच्चों के सेक्सुअल अब्यूज केसेस, जिसमें 100 से ज्यादा बच्चे हर रोज सेक्सुअली अब्यूज हो रहे हैं। ऑनलाइन मीडिया में भी करीब 300 केसेस थे 2017 के, उससे ज्यादा डबल होकर के पहले 22% रेट बढ़ा, फिर 50% रेट बढ़ा, और लास्ट फिगर्स जो हमें पता है 700 से ज्यादा केसेस ऑनलाइन अब्यूज के हैं। सो ये चीजें बढ़ रही हैं और हमें इनसे, इनके बारे में चर्चा करना बहुत आवश्यक है, और लॉ है उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इन्फोर्स प्रॉपरली करें, उस पर हम ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं, पेरेंट्स से बातें कर रहे हैं, टीचर्स से बातें कर रहे हैं, बच्चों में हम ये शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, स्कूलिंग राइट फ्रॉम द एज ऑफ दो तीन से साल के बच्चे के हाथ में आजकल मोबाइल है, तो हम उसके बारे में भी बात कर रहे हैं कि जब आप बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं तो स्कूल में और पेरेंट्स को भी उनको शिक्षा देनी जरूरी है कि वो कभी भी कोई डिस्टर्बिंग चीज अगर नेट पे देखें, चाहे वो गलत लिंक हो, चाहे वो कोई उनको अप्रोच करे और उनसे कोई उनको हैरेस करने की कोशिश करे, तो वो बच्चा उनसे शेयर करे, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक बच्चा शेयर नहीं करेगा कैसे पता चलेगा। पेरेंट्स को फिल्टरिंग टेक्नोलॉजीज यूज करना जरूरी है, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे टूल्स आ गए हैं जिससे आप सोशल मीडिया पे वो भी मॉनिटर कर सकते हैं बच्चा क्या कर रहा है। गूगल फैमिली भी, उसमें भी एक लिंक है और पर्टिकुलर ब्राउजर लेवल प्रोटेक्शन भी है, जिससे आप हर फोन को घर में अपने लिंक करके उसे आप देख सकते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं और हमें उनको यूज करना चाहिए, ये सब हम चर्चा कर रहे हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप तक पहुंचानी। और अब आप आगे हम सुनेंगे, आई थिंक राजमंगल जी भी हैं यहाँ, उनसे भी हम सुनते हैं कि उनके क्या एक्सपीरियंस हैं। बट मेरे हिसाब से हमें सबसे ज़्यादा कैपेसिटी बिल्डिंग और पब्लिक अवेयरनेस की ज़रूरत है, जो हम यहाँ आज भी इस जरिए से वेबिनार के जरिए से आप तक पहुँचा रहे हैं। जी धन्यवाद कर्णिका जी, आपने बहुत अच्छा कॉन्टेक्स्ट सेट किया हुआ है, जहाँ पे आपने सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं गार्जियन के रोल में, चाहे टीचर्स हों, पेरेंट्स हों, आपने सबका जिक्र किया, और ये भी बहुत क्लियरली बताया कि हमें, हमारे लिए पब्लिक अवेयरनेस कितना ज़रूरी है और टेक्नोलॉजी को समझना कितना ज़रूरी है और कंपल्सरी मैंडेटरी रिपोर्टिंग कितना ज़रूरी है। और जहाँ तक उससे रिलेटेड स्टिग्मा की बात है या डिफेमेशन या किसी तरह से लाज शर्म की बात है, तो वो एनोनिमस रिपोर्टिंग भी आपने बताया है वो होती है, इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे। जहाँ पे मुझे पता है कि आज के जो भी पैनलिस्ट हैं, जो फ्रंटलाइन काम कर रहे हैं, वो अपने बहुत सारे मुश्किलात आपके सामने शेयर करेंगे कि उनको क्या एक्चुअली में प्रॉब्लम आती है, और आपसे हम अपेक्षा करेंगे कि एज एन एक्सपर्ट उस पर रोशनी डाले कि जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं इस एरिया में काम कर रहे हैं, उनको प्रैक्टिकली हर दिन क्या मुसीबत उनको फेस करनी पड़ती है। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं राजमंगल सर से, जो इस विषय पर रोशनी डालें। आप लोगों को पता होगा राजमंगल सर ने
जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम पे बहुत ज्यादा काम किया है, वो बहुत सारे कमिटीज पे रहे हैं। इनफैक्ट पॉक्सो के बनाने में या दिल्ली के जे रूल्स के बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, उनका बहुत ज्यादा योगदान है। और इन प्रेजेंट कैपेसिटी अभी वो टेक्निकल एडवाइजर हैं दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन, जो कि बहुत रेलेवेंट संस्था है अलॉन्ग विथ दिल्ली कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो चाइल्ड राइट्स के जैसे कमीशन होते हैं उसी तरह वुमेन कमीशन होते हैं। तो बहुत बारी जो एज का जो फैक्टर है 17, 18, 19, 20 वो वाला ब्लर हो जाता है। हम कुछ केसेस ऐसे भी देखेंगे जो जब रिपोर्ट हुआ जो भावना शेयर करेंगी तो वो 19 ईयर्स की थी, पर वो केसेस उस समय के थे जब वो चाइल्ड थी, 16 साल की थी और 17 साल की थी। तो वो वाला डिलेमा भी होता है, उसके प्रोसिक्यूशंस के भी होते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ राजमंगल सर से, प्लीज सर। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, गुड इवनिंग रादर। अभी बहुत अच्छा लगा सुनकर, और मैं पिछले 3-4 महीने ये लॉकडाउन के बाद आई थिंक ये पहली बार मैं ऑनलाइन आपके समक्ष बात करने का मौका मिल रहा है। तो ऐसे में मैं बहुत ज़्यादा कुछ इस टॉपिक पे, खास के ऑनलाइन जो सेक्सुअल अब्यूज, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है, इस पे शेयर करने के लिए नहीं है। जो कर्णिका जी ने अभी बताया बहुत रेलिवेंट, स्पेशली वो इस सेक्टर में स्पेशलिस्ट हैं। मैं प्रैक्टिशनर रहा हूँ और पहले डिफरेंट कैपेसिटीज में चिल्ड्रेन के साथ काम करने का मौका मिला, और स्पेशली सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के कम से कम मोर देन 3-4,000 केसेस अभी तक, मैं उसका डेटा पूरा कंपाइल करके तो नहीं है कि कितना काउंट होगा, बट कम से कम 3-4 हज़ार केसेस हमने डिफरेंट लेवल पे पिछले 20 साल में जरूर हैंडल किया है, जिसमें काफ़ी इंसेस्ट के भी केसेस थे। लेटली जब ये ऑनलाइन का अब्यूज है, ये अभी पीछे 10 साल या 5 साल का होगा। अभी अभी और जैसे जैसे समय पड़ रहा है ये तो और ज़्यादा जोर पकड़ रहा है, क्योंकि डिजिटल सारा काम हमारा डिजिटल हो रहा है। ऐसे में तो एज ए प्रैक्टिशनर, स्पेशली मैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में रहा जब एज चेयरपर्सन 2009 से 2012 तक, उस समय हमारे पास काफ़ी इस तरह के केसेस आए जो ऑनलाइन अब्यूज का, उसमें एक एडिशनल भी था लेकिन एक्चुअली अब्यूज भी हुआ था और बाद में वो ऑनलाइन का भी एक एडिशनल फैक्टर उसमें था। तो मैं जो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ उसमें ये है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्पेशली पोस्ट अब्यूज, एक एस्पेक्ट है प्रिवेंशन ऑब्वियसली, एक ट्रेनिंग है या जो भी है, वो सब डूज एंड डोंट्स हैं। जितने स्टेक होल्डर्स हैं, स्कूल्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए, चिल्ड्रेन होम्स हैं, या गवर्नमेंट के साथ जितने भी इस तरह के संस्थाएं काम कर रही हैं जो प्रिवेंशन लेवल पे काम करती हैं, उनके साथ बहुत स्कोप है करने का, बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। लेकिन ये भी है कि अगर आपका एक सिस्टम इन प्लेस नहीं है कि अब्यूज के बाद या एक्सप्लोटेशन के बाद अगर कोई सिस्टम नहीं है, तो फिर वो भी बहुत एक अजीब सी स्थिति आती है, स्पेशली सर्वाइवर्स और उनकी फैमिलीज के लिए, उनकी जो भी उनके गार्डियंस हैं उनके लिए, कि कहाँ जाएं, कैसे करें और कहाँ से जस्टिस लें। तो केवल कोर्ट ही नहीं है, केवल लॉज तो रहते हैं, लॉज शुरू से हैं, बट हम देख रहे हैं कि हमारे पास लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो उसमें स्टेट मशीनरी भी कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि रूल्स नोटिफाई हो गए, कानून बन गए, सब कुछ आ गया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उसके अलावा अवेयरनेस नहीं है, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनके पास भी अवेयरनेस नहीं है, खुद पता नहीं है उनको कि क्या कानून है, क्योंकि ये जो लॉज हैं स्पेशल लॉज हैं, खास करके जो बच्चों से रिलेटेड हैं, जैसे पॉक्सो जब तक नहीं आया था तब तक सारे बच्चों के भी मामलात जो थे, एडल्ट जो भी लॉज थे उसी के तहत डील होते थे, तो प्रोसीजरली भी वही था, और जो एडल्ट के लिए प्रोसीजर्स थे वो बच्चों के लिए वो प्रोसीजर्स फ्रेंडली थे ही नहीं, तो वो भी एक लंबी लड़ाई थी। और ख़ास के जो नेशनल लेवल पे स्टडी हुआ जिसमें चाइल्ड अब्यूज़ का एक मैग्नीट्यूड आया निकल के कंट्री के सामने, और उसके बाद पॉक्सो का एक वो शुरू हुआ कि बच्चों के लिए अलग से कानून बनाने की ज़रूरत। उसके अलावा आईटी एक्ट है, जहां ऑब्वियसली ये सारा अभी चर्चा हुई थी उसकी, कि उसमें इस तरह की सारे टेक्निकल
जो भी है प्रोविजंस, पेनल प्रोविजंस हैं कि अगर कोई भी प्रोपेट्रेटर ये यूज करता है और ऑनलाइन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन अब्यूज के केसेस हैं उसमें उसको इन्वोक करते हैं। मैं ये सिर्फ आपको बताना चाह रहा था अभी इसके, क्योंकि मैं प्रेफर करूंगा अभी 5 मिनट के बाद कि जब क्वेरीज आए और जो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको केसेस को डील करते समय क्या इश्यूज आते हैं, तो उस समय आई थिंक मैं ज़्यादा रेलिवेंट होकर और ज़्यादा डायरेक्टली उसमें कह पाऊंगा कुछ या बता पाऊंगा स्पेसिफिक। लेकिन तत्काल मैं सिर्फ आपको 2-3 चीज़ें शेयर करना चाह रहा था कि कोई भी अब्यूज हो, अभी फॉर द टाइम बीइंग हम ऑनलाइन को बाकी अब्यूज से सेपरेट करके नहीं देखते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव लेकर चलते हैं कि किसी भी बच्चे के साथ कोई किसी भी तरह का अब्यूज हुआ, उत्पीड़न जिसको कह लीजिए, प्रताड़ना कह लीजिए, हरासमेंट कह लीजिए, खास के चाइल्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं, एडल्ट को भी हम अभी फॉर द टाइम बीइंग छोड़ देते हैं, तो बड़ा कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा इशू आता है। सबसे कम्युनिकेशन का इतना बड़ा इशू आता है कि जो कल्चरल हमारा एक इंडिया में या समाज में है, वैल्यूज है, बच्चों और बड़ों के बीच संवादहीनता है, बहुत कम फैमिलीज हैं या हो सकता है 10-15% फैमिलीज होंगे जहाँ पे पेरेंट्स सक्षम हैं अपने बच्चों से संवाद करने में, जनरल संवाद करने में, इस एस्पेक्ट से संवाद करने में तो और भी परसेंटेज नीचे जाएगा। संवादहीनता का मतलब हमारा ये होता है कि वो कन्वे नहीं कर पाते, मतलब जब ये नहीं कन्वे कर पाते कि स्कूल में टीचर ने डांटा है या उनके मार्क्स कम आए या उनका असेसमेंट ऐसे हुआ या उनके पीयर ग्रुप उनको तबबुली कर रहे हैं, तो सेक्सुअल अब्यूज या ये अगर उनके अपने सेक्सुअल एक्सप्लोर करने के चक्कर में या जो अजय जी ने भी बताया कि एक्सपेरिमेंटेशन की वजह से उनके अंदर गिल्ट भी है कि वो खुद ही ट्रैप में फंसे हैं अगर, तो वो तो वहाँ तो और ज़्यादा डिटरेंस है कि वो तो खुद नहीं कह पाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि इसके इसके रिएक्शन में हो सकता है कि पेरेंट्स से उनको और डांट खानी पड़े या वो उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। ये एक जो मेन मैं बात हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि जो फैमिली के अंदर ही संवादहीनता नहीं है, तो हमें एक और स्टेक होल्डर ऐसा जो दिखना चाहिए कि पोस्ट अब्यूज के सिनेरियो में कि जो बच्चे से संवाद कर सके। बट ये भी एक दुखद बात है कि आज के दिन में हमारे जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट है पुलिस, कोई भी बात होती है तो पुलिस कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मामला कंप्लेंट होता है, शिकायत होती है तो पुलिस आती है पिक्चर में, पुलिस को बैकअप देने के लिए अलग अलग है, जैसे दिल्ली महिला आयोग है या DCPCR है, बाकी संस्था उन्होंने भी कुछ इस तरह के व्यवस्था की हुई है, बाई कोर्ट ऑर्डर्स भी हैं, जैसे एक CIC का प्रोग्राम है जहाँ पे बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी एक काउंसलर्स अटैच किया गया है। तो कम्युनिकेशन का बड़ा रोल रहता है कि अगर वो काउंसलर जाके उस बच्चे से अलग से संवाद स्थापित करके और वो उसको फैसिलिटेट कराता है सारे सिस्टम के साथ कि उसको न्याय मिले या उसकी बात पहुंच सके, इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंच सके बात, विटनेस के एज ए चाइल्ड एज ए विटनेस जाता है वहां पहुंच सके, एज ए प्रोसिक्यूट्रिक्स अगर है वही बच्चा विटनेस भी है प्रोसिक्यूट्रिक्स भी है तो वहां पे अगर वो कोर्ट में जैसे उसी का मैटर चल रहा है तो वहां उसका क्या बयान होता है या 164 के स्टेटमेंट जो स्टैट्यूटरी स्टेटमेंट है वहाँ क्या बोलता है, FIR के समय पॉक्सो में कहा गया है कि वो भी स्टेटमेंट जो बच्चे का है वर्बैटिम रिकॉर्ड होता है वहाँ क्या कहता है, दोनों में कोई डिफरेंस है, किसी तरह का कोई दबाव है, कोएर्शन है, इन्फ्लुएंसिंग है, इंटीमिडेशन है, प्रेशर है, चाहे रिलेटिव्स है, इंसेस्ट का केस है जहाँ के परिवार का ही कोई संबंधी उसने किया होता है तो वो बहुत बड़ा दबाव होता है, तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस हैं जिसमें बच्चे के ऊपर बहुत दबाव होता है अब्यूज में और संवाद सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए काउंसलर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और इतनी महत्वपूर्ण है कि परिवार के लोगों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो परिवार से जो चीज़ नहीं कर पाता है वो हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो काउंसलर्स के साथ करेगा, ठीक है। तो एक तो ये कम्युनिकेशन का, दूसरा जो जैसे मान लीजिए कि पुलिस के पास एक फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट है, उसके बाद स्टैट्यूटरी एक रिक्वायरमेंट है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में कि कोई भी चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है, वो भी डिफाइंड है, मतलब एक हम कॉमन सेंस से हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि लॉ में कॉमन सेंस भी एक लिमिटेशंस है, कॉमन सेंस से हम हर चीज़ को लॉ में इंटरप्रेट नहीं कर सकते, तो एक स्पेसिफिक है कि चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन डिफाइंड है सेक्शन 2 में, पूरा उसकी कैटेगरीज बनी हुई हैं, 15-20 कैटेगरीज हैं,
उसमें अगर बच्चा है, क्योंकि जो सेक्सुअल अब्यूज का है वो नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है, उसके अलावा भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं, मतलब बहुत सारे तरह के बच्चे हैं जो उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो वो नेसेसरली मैंडेटरली उसको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में, और ये पूरे कंट्री में इसका फ्रेम है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक CWC है, दिल्ली में 11-12 CWC हो गए, अगर कहीं नहीं है तो एडिशनल चार्ज पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट को दे दिया जाता है कि वो काम करे। तो क्या ये कैसे काम कर रही है, क्योंकि उनका बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी हम दिल्ली कमीशन फॉर वीमेन में भी वहाँ भी देखते हैं काफ़ी सारे केसेस आते हैं, तो वहाँ भी चिल्ड्रेन के जो गर्ल चिल्ड्रेन हैं उनके मैटर आ जाते हैं, उनके भी बहुत सारे मैटर्स आते हैं, खास के जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने प्रस्तुत किए गए और जिसमें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से जो अपेक्षा की गई वो नहीं हुआ। क्या अपेक्षा की जाती है उनसे? सबसे पहले तो एक संवादहीनता, तो दूसरी बात है, सबसे पहले जो समस्या आ रही है बहुत जगह, और ये केवल दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अक्रॉस द कंट्री संवादहीनता से पहले संवेदनहीनता बात आ जाती है, कि संवेदनहीनता है, संवेदनशीलता नहीं है। कैसे हैंडल करते हैं आप, कैसे किसी को बुलाते हैं, कैसे बिठाते हैं, क्या अप्रोच होता है आपका, बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये सब है, तो ये सब बहुत मायने रखता है। अब एक्चुअली आप 10 लाइन में क्या ऑर्डर लिखते हैं वो तो बहुत सेकेंडरी चीज है, प्राइमरी चीज है कि आपने कितना अश्योर किया है बच्चे को, री अश्योर किया उसको, इस चीज का एक ढाढ़स बधाया कि हाँ भाई तुम्हें न्याय मिलेगा या तुम्हारे साथ तुम्हारी जो समस्या है हम सुनेंगे। हो सकता है उस बच्चे को अपने परिवार में ही प्रॉब्लम हो, तो कितनी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है कि परिवार के अंदर भी अगर इस तरह की समस्या है उसको दूर करें, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी, पुलिस के लेवल पे भी बात होती है, पुलिस इसमें कोई डाउट नहीं है कि पिछले कुछ वर्षों में पुलिस की ट्रेनिंग हुआ है, एक माहौल बदला है, कई स्टेक होल्डर्स का एक दबाव भी बना है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो भी प्रोएक्टिव हुई है, नो डाउट अबाउट इट, काफी कुछ हुआ है पिछले 5 साल में, इस सेक्टर में काफी काम हुआ है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने भी बहुत सक्रिय भूमिका अपनी दिखाई है इसमें, तो इसकी वजह से एक माहौल बनने से क्या हुआ है कि दबाव भी है स्टेक होल्डर के ऊपर परफॉर्म करने का, तो उसकी वजह से पुलिस भी थोड़ी बेहतर भी रोल अदा कर रही है। लेकिन उसके ऊपर एक और दबाव ये रहता है कि जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में अलग से प्रोविजन किया गया है स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट का, तो कितना काम कर रही है, क्या उसके पास साधन है, क्या उसमें जो स्टाफ है वो डेडिकेटेड हैं या उनको और भी काम दिया गया है। अगर एक ही जो जिसको प्रशिक्षित किया गया है बच्चों के साथ डील करने के लिए, खास के अब्यूज वाले बच्चों के साथ डील करने के लिए अगर प्रशिक्षण लिया हुआ है और उसी को नहीं दिया जा रहा है पूरा काम, उसे और भी काम में लगा दिया गया है या इतना ज़्यादा वर्कलोड दे दिया गया है कि वो जस्टिस नहीं कर पा रहा है अपने काम के साथ, तो भी एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। अब आते हैं हम कोर्ट लेवल पे, वहाँ भी कोर्ट के स्टाफ क्या हैंडलिंग है, प्रोसिक्यूशन का हैंडलिंग है, प्रोसिक्यूशन को भी काफ़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है इसमें, क्योंकि अब इतना ये जो एडल्ट कोर्ट्स हैं उसमें है वो वाली स्थिति नहीं है, पॉक्सो का बहुत अलग प्रोविजंस हैं, वहाँ तो प्रोसिक्यूटर्स के भी अलग से प्रोविजन कहा गया है करने के लिए, लेकिन कहाँ है हमारे पास। अब जरूर चाइल्ड फ्रेंडली कुछ कुछ कोर्ट्स बनाए गए हैं, बट अभी भी अगर पूरे कंट्री का अगर देखें तो वो मॉडल्स हैं, मॉडल्स होते हैं जो हम दिखाते हैं, जिसको फर्दर रेप्लीकेट करने की ज़रूरत होती है, और केस लोड की बात है। अब जुवेनाइल जस्टिस जो बोर्ड है, JJBs है, वो भी चिल्ड्रेन को हैंडल करती हैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, उसको देख लीजिए क्या है, कुछ शहरों को छोड़ के, दिल्ली को छोड़ के बाकी कंट्री में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड अभी भी डेडिकेटेड नहीं है, मतलब वो पार्ट टाइम काम करते हैं बच्चों के लिए, जो जेजे एक्ट के बच्चे हैं जो कन्फ्लिक्ट विथ लॉ उनके मैटर को देखते हैं, और उसके बाद फिर वो रेगुलर कोर्ट्स बन जाती हैं या दूसरे मैटर्स को देखते हैं। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हैं, तो एक कम्युनिकेशन, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक सेंसिटिविटी, ये सारे चैलेंजेज हैं हमारे सामने। मैं ऑब्वियसली हम जब ऑर्गेनाइजर से बात कर रहे थे तो हमने कहा कि क्या, व्हाट डू यू इंटेंड अचीविंग आप इससे क्या, तो उन्होंने कहा एक शुरुआत है, ये कन्वर्सेशन है, कहीं हम कंक्लूड नहीं कर रहे हैं, और ऑब्वियसली हमारे पास सोल्यूशंस नहीं है, क्योंकि इतना विकराल रूप ले चुका है जो डेटा बताया, हम भी हमारे पास भी कुछ लिंक अजय जी ने भेजे, हमने भी कुछ रिसर्च किया, कर्णिका जी ने बताया, तो जो पैमाना है, जो मैग्नीट्यूड है ऑनलाइन सेक्सुअल अब्यूज का और एक्सप्लॉयटेशन का, इतना विकराल रूप ले चुका है
कि उसमें सरकार को मतलब अभी प्राथमिकता देने की जरूरत है। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अकेले कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें कई सब्जेक्ट मैटर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, CBI डील करती है, वो उनका सब्जेक्ट मैटर है, वहाँ भी कुछ कुछ क्रिएट हुआ है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, वो करने की जरूरत है। बिकॉज हमने भी काफ़ी केसेस हैंडल किए हैं एज चाइल्ड वेलफेयर कमेटी चेयरपर्सन, जिसमें CBI इन्वेस्टिगेट कर रही थी, जो खास करके अक्रॉस द स्टेट्स ट्रैफिकिंग वाले केस थे, अब्यूज के केसेस थे, तो वहाँ भी देखा कोई ऐसा नहीं है कि CBI का नाम आ जाने से बहुत बहुत हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है, वहाँ भी वो दिक्कत है, वहाँ भी अवेयरनेस नहीं है, वहाँ भी ट्रेनिंग के इश्यूज हैं। सो आई विल जस्ट कंक्लूड हियर बिकॉज दिस विल गो ऑन। एक्चुअली मैं तो ये कहने लगा जैसे कि वो सब लोग कहेंगे फिर होगा क्या, कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन इसीलिए मैं यहीं बंद करता हूँ और मैं चाहूँगा कि लेट अस हियर सम के स्पेसिफिक केसेस और देखते हैं कि उसमें हम कहाँ फर्दर मतलब कन्वर्सेशन। इससे पहले कि हम स्पेसिफिक केसेस पे जाएं, मैं एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी, राजमंगल जी ने जो बताया वो मैं काफी हद तक उससे सहमत हूँ, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हाँ बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के हमारे ये पेपर टाइगर रह जाएगा एक बनके एक्ट जो है, तो और प्रोसिक्यूशन जो है उनको जो लॉयर्स हैं या जो जजेस भी हैं इसमें डील कर रहे हैं और उनको भी ट्रेनिंग की जरूरत है पुलिस के अलावा, प्लस जो बच्चे हैं उनको स्कूल लेवल से ही, हमने देखा अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी चेंज हो गई है, अब जो पॉलिसी है, और मैं तो कहती हूँ साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी की भी जब चर्चा हो रही थी, मैं उस विषय में मैंने भी जो हमारे नेशनल साइबर क्राइम कोऑर्डिनेटर है उनसे बात करी थी, और हमने ये अपना मुद्दा रखा था कि बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए नेशनल सिक्योरिटी में हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो बच्चे उसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, हम उसे नहीं छोड़ सकते, और जब हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की भी बात करेंगे तो दोनों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चों को राइट फ्रॉम स्कूल उनको ये एजुकेशन दी जाए, ताकि वो जो इनिशियल झिझक है कि ये चीज शेयर करें या ना करें कम्युनिकेशन को लेके, जैसे राजमंगल जी ने कहा, वो चीजें हाँ उसको हम पहले ही डील कर लें कि हाँ बच्चा इतना कॉन्फिडेंट हो जाए कि जब उसके साथ कुछ ऐसा हो वो उसे शेयर कर पाए, और दूसरा ऐसी चीजें होने की संभावना को भी आप कम कर दोगे, क्योंकि ज्यादातर वो बच्चे नॉन सर्कल में होते हैं। अभी पीछे कुछ ऐसा ही केस हुआ था जिसमें एक और बच्चे ने दूसरे अपनी ही क्लास के एक बच्चे के अगेंस्ट कुछ अकाउंट क्रिएट करके उसे सर्कुलेट करा, कुछ ऐसा कुछ गलत कॉन्टेंट, सेक्शुअली एक्सप्लिसिट कॉन्टेंट डाल दिया और उसको हैरस किया और बच्चों में भी उसे फैलाया, तो ये इंस्टेंसेस भी कंट्रोल में आएंगे। तो ये मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि बच्चों को भी एजुकेशन देंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग्स हम बढ़ाएंगे, कम्युनिकेशन बेटर करेंगे, और हमारे जो बाहर के देशों में भी मैंने जब कंपेयर किया इंडियन जो लॉ है अपना और इंडियन जो एक्चुअल में हो रहा है ऑन फील्ड, जो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर्स का जुवेनाइल जस्टिस में रोल है वो बहुत ही अहम है, और बहुत अच्छे से राजमंगल जी ने ये बात रखी, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि उनका रोल इतना इम्पोर्टेंट है कि जैसे हैंड होल्डिंग प्रॉपर एक्सरसाइज है कि उनको कानून तक कैसे जोड़ना है वो कड़ी है उस चीज़ की, तो उनका रोल हम एम्फेसाइज करें, उनको और ट्रेनिंग दें ताकि वो जो सिस्टम में कैसे उनको न्याय मिले वो सही महत्वपूर्ण वे में उसको डील कर पाए, उसे प्रॉपरली डील कर पाए। इसी के साथ आई थिंक हम केस स्टडीज ले सकते हैं। धन्यवाद कर्णिका जी, धन्यवाद राजमंगल जी। जहाँ तक स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है लॉ का, उसके बारे में चर्चा हुई और कर्णिका जी का मत है कि वो हमारे पास सफिशियंट है, लेकिन उसको इन्फोर्स करने के लिए जो मशीनरी चाहिए, जो सिस्टम चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा कमी है। इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कमी है, इन टर्म्स ऑफ पर्सनल ह्यूमन रिसोर्सेज कमी है, इन टर्म्स ऑफ स्किल और नॉलेज सेट जो होता है हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज का उसमें कमी है, जो सहानुभूति या समानुभूति होती है उसमें कमी है हमारे, तो वो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग से आता है या कैपेसिटी बिल्डिंग से आता है, लेकिन वो ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग राइट फ्रॉम स्कूल होना चाहिए, राइट फ्रॉम फॉर्मेटिव स्टेज होना चाहिए। कर्णिका जी ने ये बहुत क्लियरली कहा, क्योंकि आज जो पुलिस के किसी भी पद पे हैं या जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में हैं,
अगर उनके अंदर उस तरह की भावना उनके फॉर्मेटिव ईयर से नहीं है तो वो चाइल्ड वेलफेयर कमिटी मेंबर या चेयरपर्सन बनने या पुलिस में किसी पद पे आने के बाद या सीबीआई में किसी पद में आने के बाद वो बहुत ज्यादा बदलने की उम्मीद नहीं होती है। जहां तक जो कम्युनिकेशन होता है, सहानुभूति वाला कम्युनिकेशन होता है, संवेदनशीलता वाला कम्युनिकेशन होता है, वो उसके बाद नहीं बदलता है। तो इसलिए वो हमें बहुत सारी चीजों को समग्रता में देखने की और समझने की और अमल में लाने की जरूरत है। इसके साथ मैं स्वागत करना चाहता हूँ सबा परवीन का भी। सबा परवीन एएफडी में काउंसलर हैं, एएफडी प्रतिधि में, एक्शन फॉर डेवलपमेंट में, और इन्होंने बहुत ढेर सारे ऐसे केसेस डील किए हैं फ्रंटलाइन वर्कर्स में। आज भावना और सभा ज्यादा समय लेगी और हमारे साथ वर्षा रहेंगी और रमनिका भी रहेंगी। वर्षा इसलिए इम्पोर्टेंट है इस पूरे डिस्कशन में क्योंकि वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगी, वो झारखंड की बात करेंगी, और रमनिका कुछ ऐसे केसेस की बात करेंगी जहां पर उन्होंने डायरेक्टली ऑनलाइन वाले केसेस तो नहीं डील किए हैं, लेकिन बहुत बारी ये भी होता है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन फील्ड में फ्रंट पे काम कर रही होती है तो लोगों के बीच में जब ये बात जाती है कि ये संस्था इस इशू पे काम कर रही है तभी उसके पास उस तरह के केसेस रिपोर्ट होते हैं। आज ये भी एक हम देख रहे हैं कि जो बहुत सारी संस्थाएं जो चाइल्ड प्रोटेक्शन पे तो बहुत सारी संस्थाएं हैं जो काम करती हैं सिविल सोसाइटी में, लेकिन उसमें भी सेक्सुअल अब्यूज पे कम है, और ऑनलाइन जहां वो एक वर्ड जुड़ जाता है ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का तो बहुत ही गिनती की संस्थाएं होती हैं। मैं हमेशा इस बात को सारी संस्थाओं को बोलता हूं जो खास करके बच्चों के ऊपर काम करती है सिविल सोसाइटी में, कि आप जब चाइल्ड एजुकेशन पे काम कर रहे हैं या न्यूट्रिशन या हेल्थ पे काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली चाइल्ड प्रोटेक्शन आपका एक इशू हो जाता है। अगर आप चाइल्ड लेबर या चाइल्ड ट्रैफिकिंग पे काम करते हैं तो चाइल्ड अब्यूज और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज ऑटोमेटिकली आपका एक इशू हो जाता है, और इसमें आपको वो जो ब्रिज है उसको क्रॉस करने में बहुत ज्यादा स्किलिंग की जरूरत नहीं होती है सेपरेटली। और जब हम ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की भी, तो जो भी संस्था और कार्यकर्ता हमारे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो एक छोटी सी ट्रेनिंग और हैंड होल्डिंग के बाद वो ब्रिज क्रॉस करके ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के केसेस को रजिस्टर करके आगे फॉरवर्ड करके एक्सपर्ट के साथ तो सामने तो जरूर ही रख सकते हैं। तो ये बदलाव तो हमें अपने सेक्टर में भी लाने की जरूरत है कि हम हमारे साथ जितनी भी संस्थाएं हैं, जितनी भी संस्थाएं चाइल्ड प्रोटेक्शन पे काम करती हैं, वो इसको सीरियसली लेना शुरू करें और ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को कहें कि ये हम इस पे काम करते हैं, क्योंकि जब भी अब्यूज है तो वहां कहीं ना कहीं चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का एलिमेंट होगा ही, क्योंकि अगर वो इमेज बना है, अगर वो इमेज क्रिएट हुआ है, वीडियो क्रिएट हुआ है और वो डिजिटल फॉर्म में है तो वो खतरा हमेशा बना होता है। तो ये हमारे पास वो एक फॉर्म है जो सिविल सोसाइटी सेक्टर से ही काफी रिपोर्टिंग, तो हम ही क्यों नहीं, अगर हम जब इंफ्रास्ट्रक्चर या सिस्टम की बात करते हैं तो हम ही इसमें आगे थोड़ा बढ़े, हमारा ही सेक्टर थोड़ा आगे बढ़े। इसके साथ मैं इनवाइट करना चाहता हूं भावना को और भावना के बाद सभा को, दोनों एक, मैं बीच में इंटरवीन नहीं करूंगा, आप लोग एक दूसरे के बाद बोल सकते हैं। भावना अपने जो केसेस हैं उसको हमारे एक्सपर्ट्स के सामने रखिए और इसके बाद सभा। मैम मैं आपसे सबसे पहले एक केस डिस्कस करना चाहूंगी जो मेरे पास 2-2.5 महीने पहले आया था। एक 19 ईयर ओल्ड लड़की है अभी, तो when she was 14 years old, तो उसका एक रिलेशनशिप हुआ किसी 6 साल बड़े लड़के के साथ। तो एज वो बहुत छोटी थी, उसको पता नहीं था, बहुत इनोसेंट, और तो वो उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में और इन सब चीजों में बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो गई। इसका उस लड़के ने बहुत ही गलत फायदा उठाया, उसने उसके पिक्चर्स लेता था, एब्यूजिव पिक्चर्स और सेक्सुअल कंटेंट, उसका वीडियोस वगैरह सब उसने बनाया। 1-2 साल बाद उस लड़की को पता लगा अपने फ्रेंड के साइड से कि उसकी पिक्चर्स और उसकी वीडियोस किसी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, एक फोन वेबसाइट पर उसकी पिक्चर्स उसके फ्रेंड ने देखी है। जब ऐसा उस लड़की को पता लगा तो वह घबरा गई, उसने उस लड़के से बात करी, उसने बोला कि तुमने ये सब चीजें क्यों डाली ऐसे वेबसाइट्स पे। तो उसने बोला कि मुझसे गलती हो गई, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। तो उसने इस चीज को ट्रस्ट कर लिया, बट उस लड़के ने उस कंटेंट को हटाया नहीं, और जबकि और ज्यादा दूसरे प्लेटफॉर्म से वो उसको बढ़ाते चला गया।
14 इयर्स से, आज वो 17 इयर्स की, जब उसे ये चीजें पता लगी, वो उसका तब से लेकिन 3 साल तक उसका वो विक्टिम बनी ही रही। और एक मेन बात ये थी कि इंस्टाग्राम और फेसबुक तक का इन सब चीजों में यूज किया गया, तो सिर्फ उसकी फोटोज और उसकी वीडियोस को लीक नहीं किया गया, उससे पैसे कमाने की कोशिश की गई उस लड़के के द्वारा। उस लड़के ने उसकी फोटोज इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाकर उसकी पिक्चर्स डाली और उसकी वीडियोस डाली, और वो उसको इंस्टाग्राम पे सेल कर रहा था फॉर अराउंड 100 रुपीज या 50-60 रुपीज ऐसे करके। इस लड़की ने मुझे कॉल किया और उसने मुझे सब चीजें बताई कि मेरा जो पिक्चर्स है और मेरी वीडियोस है वो सब इंस्टाग्राम पे सेल हो रही हैं। मैंने जब उसने मुझे पेज वगैरह का लिंक भेजा, उसने मुझे पेमेंट की अकाउंट नंबर भी भेजे, सब कुछ भेजा, जब मैंने उस पर सर्च किया तो मैंने देखा कि वो जब 16 या 17 साल की थी, वो सारी वीडियोस उसकी उस एज की बनी हुई थी। और उस पेज पे सिर्फ वो ही लड़की नहीं थी, उसके अलावा और बहुत सारी लड़कियां थी जिनको शायद पता है और जिनको शायद नहीं पता है, और उनकी पिक्चर्स ओपनली इंस्टाग्राम पे सेल करी जा रही हैं और ओपनली बेचा जा रहा है उसको। एकदम वो पेज ओपन है, कुछ ऐसा ही नहीं है कि प्राइवेसी लगी हुई है और लिंक है, बिल्कुल उसके बायो में आपको क्लियर दिख जाएगा कि ये सेल करे जा रहे हैं। इसके साथ साथ दूसरी वेबसाइट्स पे भी उसका सारा कंटेंट जो है वो सेल किया जा रहा है। जब हमें ये पता लगा, देन आई रिसर्च्ड कि ऐसे और भी पेज है क्या। यू ऑल विल बी शॉक्ड ये सुन के कि एक नहीं, 10 नहीं, ऐसे 100 और हजारों पेजेस हैं। हमारे पास लिंक है उसके प्रॉपरली जिन पे ये सब एक्टिविटीज होती हैं, खुलेआम ये सब चीजें बेची जा रही है ऐसे इंस्टाग्राम जैसे ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहाँ पे छोटे बच्चे से लेकर बड़ी उम्र तक के एक सोशल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हम लोग नॉर्मल अपनी चीजें शेयर करते हैं, जहाँ पे बहुत इजीली एक्सेस है, सब ट्रस्ट करते हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम। ऐसे जगह पर ऐसी चीजें बहुत खुलेआम हो रही हैं, और एक 13-14 साल के बच्चे के लिए जो बहुत ही एंजाइटी उसके अंदर है नई नई चीजें देखने के लिए, करने के लिए, उसके लिए 40 रुपीज या 50 रुपीज कोई बड़ी चीज नहीं है, उसको कैसे भी करके बहुत आसानी से ट्रैप किया जा सकता है। तो ये जब मुझे पता लगा तो हमने रिसर्च किया, तो ये इतना ज्यादा फैला हुआ है प्लेटफॉर्म्स पे कि इसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते। देन आई ट्राइड ऑन माय बिहाफ कि मैं इंस्टाग्राम पे रिपोर्ट करूं, तो मैम मैंने उसको रिपोर्ट किया इंस्टाग्राम पे, तो वो जो पेज था क्या हुआ, मैंने रिपोर्ट किया तो विद इन 24 आवर्स वो हट गया, लेकिन वो मेरे लिए ब्लॉक किया गया था सिर्फ, बाकी सब उसको इजीली एक्सेस कर सकते थे। तो अगर मैं रिपोर्ट कर रही हूँ तो वो पेज सिर्फ मेरे लिए नहीं है, बाकी हर कोई उसको देख सकता है। तो ये मैंने देखा है एज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये एक बहुत बड़ा इशू है जो कि अननोटिसेबल है, लोगों को पता नहीं है। उन्होंने रिपोर्ट किया, उन्हें लगा कि ये पेज अब नहीं है, लेकिन असलियत में बाकी सब उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे इंटरमीडियरीज की कोई लाइबिलिटी जबकि नहीं है, ये देखा जाए तो बहुत बड़ी चीज है। दूसरा, उसका जितने भी और भी बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जिस आसानी से उसका ये सब चीजें सेल आउट हो रही हैं। देन आई गॉट टू नो 4 से 5 और लड़कियां जो सेम इसी चीज का शिकार हैं, यही चीज उनके भी कंटेंट जो है वो खुलेआम बेचे जा रहे हैं। दूसरी, हमें ये सब पता लगा तो हमने साइबर क्राइम पोर्टल पे पहले अनोनिमसली रिपोर्ट किया, अनोनिमसली रिपोर्ट करके 10-15 दिन वेट किया, कोई एक्शन नहीं हुआ। देन आई एज एन एडवोकेट फॉर दैट गर्ल, आई ट्राइड कि मैं अपने साइड से पूरा रिपोर्ट एंड ट्रैक वाला ऑप्शन लेके प्रॉपरली फाइल करती हूँ, सारे URL लगा के और सारे प्रूफ लगा के। तो हमने वो सब भी किया, आज 2 महीने हो गए हैं, 2 महीने तक भी कोई आयोवा पॉइंट नहीं हुआ, ना कोई और एक्शन हुआ, तब भी हम लोग अभी चुप नहीं बैठे हैं। मैंने बात करी है साइबर सेल द्वारका जो दिल्ली का है, उनसे बात करके वहां के इंस्पेक्टर से ये बात पता लगी, दे आर लाइक कि हम लोग ऐसे केसेस डील नहीं करते हैं जब तक कोई प्रेशर ना आए, या तो कोई हाई प्रोफाइल पर्सन इन्वॉल्व है उसके अंदर तो हम ये एक्टिविटी लेंगे, तो हम ये केस लेंगे, अगर कोई नहीं है तो हम उसको साइडलाइन कर देते हैं, हम आईओ अपॉइंट नहीं करते। तो ये क्लियर वर्ड इंस्पेक्टर ऑफ साइबर क्राइम दिल्ली ने बहुत ही साफ शब्दों में बोला है कि ऐसा है। तो अब बात ये आती है कि अब हम क्या करें, हमने मिनिस्ट्रीज को भी लिखा,
नेशनल वुमेन कमीशन में भी बात करने की कोशिश की, लेकिन कुछ कॉन्टैक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, कोई सुनता ही नहीं है। और एक ये केस, दूसरा मॉर्फिंग के केस, स्नूफिंग के केस, ऑनलाइन ग्रूमिंग के केस, ये सारे तो कहीं मेंशन ही नहीं है, ना तो आईटी एक्ट में, ना तो पॉक्सो में। तो इनके अंदर तो रिपोर्ट करना एनीवेज केसेस एफआईआर लॉज ही नहीं होती, आगे की चीजों की तो बात ही दूसरी है। तो मैम प्लीज गाइड कि ऐसा अगर केस है तो हम करें क्या, क्योंकि हम लोग स्टक है एंड वो लड़की एकदम ट्रॉमेटिक हो चुकी है और वो बिल्कुल परेशान हो चुकी है कि मैं करूं क्या, क्योंकि उसको आए दिन नया सुनने को मिलता है कि आज मेरे साथ ये पिक्चर्स हो गए, आज मुझे फिर किसी ने बताया कि मेरी ये फोटोज जो है ऐसे सेल हो रही है, मुझे कस्टमर्स मेरा नंबर देके मुझे फोन किया जाता है, मैं बता नहीं सकती घर पे क्योंकि मुझे घर से ही निकाल दिया जाएगा, लेकिन अब मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मैं करूँ क्या। देखिए ऐसे केसेस में हमने डील किए हैं और उसमें ये होता है कि पहली बात तो कि या तो कंसेंट से गया है ये फोटो या नहीं गया है, कई बार ही बिना किसी गर्ल की परमिशन के लिए भी फोटोग्राफ्स और वीडियोस ले लिए जाते हैं, और उस सिनेरियो में तो ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, वायलेशन ऑफ प्राइवेसी भी होता है, तो 3 साल की सजा उसके लिए भी है 66E में आईटी एक्ट में। अब जहां तक आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, अगर आपने कंप्लेंट दी है एज एन इंटरमीडियरी, उनको इन्फॉर्म करा है कि इस तरह की अश्लील चीजें हैं आपकी साइट पे, उसे हटाइए, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेक्शन 79 के अंदर कि वो उसे हटाएं। और अगर वो कहते हैं कि कोई कोर्ट ऑर्डर लाइए या कोई गवर्नमेंट ऑर्डर लाइए, तो कोर्ट के जरिए भी ये ऑर्डर लिया जा सकता है। और अगर एफआईआर वो रजिस्टर नहीं कर रहे तो 156(3) है सीआरपीसी में, जिसमें हम कोर्ट में जाते हैं और ये बोलते हैं कि पुलिस इसे रजिस्टर नहीं कर रही, तो हमें कोर्ट की मदद लेनी होती है। बट आमतौर पर ये सिचुएशन आनी नहीं चाहिए, क्योंकि इन केसेस में एक्स्ट्रा एविडेंस भी होगा आपके पास कि इस तरह के पोस्ट हैं और आप ब्लॉक कर रहे हैं, फिर भी वो रिपोर्टर भी उसके बाद भी वो उसमें दिख रहे हैं, तो एक सोशल मीडिया को जब आपने इन्फॉर्म कर दिया है, स्पेसिफिकली चाइल्ड पोर्नोग्राफी रिलेटेड केसेस में जीरो टॉलरेंस है, इवन सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने भी, मतलब जो कोर्ट है हमारे उसने भी यही बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से that child pornography has to be blocked by all means, और उन्होंने क्लियर कट डायरेक्शंस दिए हैं कि किसी भी तरीके की चाइल्ड पोर्नोग्राफी पब्लिश आप सर्कुलेशन क्रिएशन नहीं होनी चाहिए, और अगर है तो इंटरमीडियरी की लाइबिलिटी है। कमलेश मसवानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस आप देख लीजिए, प्रज्वला केस चल रहा है उसमें भी ये बातचीत चल रही है और डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं। तो आप इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि कोर्ट को अगर आप अप्रोच करें तो 156(3) में वो एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, और वो डायरेक्शन कोर्ट भी दे सकते हैं पुलिस को कि वो इसे इन्वेस्टिगेट करें और इसे प्रॉपरली इस केस को डील करें। तो मेरे हिसाब से जब हमने ये अपना जो ये केस हमने जो डील किया था उसमें, तो हमने जब इन्फॉर्म किया उनको और इनफैक्ट हमने पोस्टिंग कंपनी को भी किया और वेबसाइट को भी किया, हमने लीगल नोटिसेस भेजे थे और विद इन 36 आवर्स वो हट गए थे, वो वहां से हटा दिए गए थे। और ये एक बहुत ही कहते ना एक रैम्पेंट प्रॉब्लम बन चुकी है, बहुत ज्यादा हो रहा है, इसे रिवेंज पॉर्न भी कहा जाता है, स्पेसिफिकली अगर दो लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप है और बाद में वो ब्रेक हो जाती है, और स्पेशली बच्चों को लेकर के है तो फिर और भी ज्यादा हीनस हो जाती है। तो इस तरीके की अश्लील तस्वीरें डालना या 67A में भी अपने आईटी एक्ट में भी सजा है उसकी, तो मतलब 3 साल या उससे ज्यादा की सजा कानून तो देता है, और अगर प्रैक्टिकली प्रॉब्लम आ रही है, पुलिस नहीं रजिस्टर कर रही है, आप कमिश्नर पुलिस को लिखिए, और अगर वो भी नहीं वर्क कर रहा है तो फिर तो कोर्ट के जरिए आप ऑर्डर्स ले सकते हैं। तो उसमें शायद मैं आपकी मदद कर पाऊँ, आप जरूर इस प्रोग्राम के बाद मुझे कॉन्टेक्ट करिए इस चीज के लिए। अजय जी, आई थिंक वी कैन लुक एट दिस। धन्यवाद कनिका जी। अब सभा आपने केसेस जरा एक्सपर्ट्स के सामने रखी। सभा प्लीज। अच्छा राजमंगल सर बोलना चाहते हैं कुछ। हाँ एक जस्ट ए मिनट की मैं इसमें से ये पूछना चाह रहा था इनसे कि क्या इसकी कंप्लेंट इसके अलावा भी किसी स्टैट्यूटरी बॉडी के सामने की है क्या इन्होंने, ये जो भी हुआ है इसके बारे में किसी आयोग के सामने? हाँ
क्या इसकी शिकायत आपने किसी आयोग के सामने या महिला आयोग या बाल संरक्षण आयोग DCPCR या नेशनल लेवल बॉडी वहां कहीं हुई है क्या इसकी शिकायत, ये जानना चाह रहा था। भावना मेरे को एक कॉन्टैक्ट है वो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे मैंने उनको प्रॉपर ये बना के भेजी थी कंप्लेंट। आई थिंक एक दो हफ्ता हो गया लेकिन उस पर अभी तक भी कुछ रिवर्ट बैक नहीं हुआ है। ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन नेशनल का। और ये है कहाँ की, ये जो कंप्लेंट है दिल्ली की है ना, तो आप ये नेशनल लेवल बॉडी के बजाय आप जो स्टेट लेवल बॉडीज है उनको भी आप अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अभी आप अगर आप दिल्ली महिला आयोग में करते हैं तो चूंकि मैं भी वहां हूं तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि काफी प्रोएक्टिव भी साइबर वाले केसेस को टेकअप करते हैं, ये भी वहीं पे जो पुलिस के जो साइबर ब्रांच है उनको ही कहेंगे करेंगे, लेकिन आप एक और चैनल है आपके पास। प्रॉब्लम ये रहता है कि जैसे वेबसाइट का एड्रेस दिया रहता है मिनिस्ट्री की वेबसाइट के ऊपर, ईमेल एड्रेस दिया रहता है, बट जब हम उनपे मेल लिखते हैं तो बाउंस बैक हो जाता है या फिर वो अनरेड चला जाता है। ये भी हमारे साथ हुआ है कि हमने मिनिस्ट्रीज को लिखा है लेकिन वो उनका ईमेल ही वर्क नहीं करता, मतलब एक जो पर्टिकुलर पर्सन है उनको कॉन्टेक्ट करना ही बहुत मुश्किल है। कहाँ पे, मिनिस्ट्री में? हाँ जी सर। नहीं मैं तो दिल्ली महिला आयोग की बात कर रहा था या DCPCR की बात कर रहा था कि उनको भी चूंकि स्टेट लेवल बॉडी है और दिल्ली में है और दिल्ली का मैटर है तो उनको भी आप अप्रोच कर सकते हैं, तो अगर आप करेंगे तो वहां से वो भी मतलब पुलिस को ही डायरेक्शंस देंगे या उनको बुलाएंगे, लेकिन एक और चैनल आपको मिल जाएगा काम करने का, इसलिए मैं कह रहा हूँ। थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है। अजय सभा सभा हेलो। हाँ सभा बोलिए। हाँ जी राजमंगल सर और सभी को गुड इवनिंग। जैसे कि साइबर क्राइम के केसेस की हम बात कर रहे हैं, इसमें मेरा 5 years का एक्सपीरियंस है, उसके अलावा मैं अपने नेबरहुड में या अपने ऑफिस के आसपास ये चीज़ें मैं देखती रहती हूँ। मैंने बच्चों के साथ काफ़ी काम किया है, तो जैसे कि हम केस अटेंड करते हैं साइबर क्राइम में, इसमें कंप्लेंट तक तो बात आ जाती है, कंप्लेंट के बाद ये होता है कि फैमिली वाले बोलते हैं बच्चे के कि सिर्फ वो वीडियो हटवा दीजिए, हमें फर्दर एक्शन नहीं करवाना है, तो उसके लिए हम क्या करें। और ये बहुत सारे केसेस में होता है, DD एंट्री हो जाती है, FIR हो जाती है, कोर्ट जाने के लिए वे एग्री नहीं होते, या फैमिली प्रेशर हो जाता है, या वो कहते हैं मैडम हट तो गई वीडियो, अब हम जाकर क्या करेंगे, नॉर्मली जवाब मिल जाता है। उनकी नज़रों में वो वीडियो या फोटोज हट गए हैं, लेकिन 1 साल बाद 1.5 साल बाद दोबारा हमारी नॉलेज में आता है कि वो दोबारा साइट पे है और वो चल रही है वीडियो। एक बच्ची माइनर थी, उसमें जो लड़का है वो भी माइनर था, वो 1.5 साल पहले एक बर्थडे पार्टी में मिलते हैं, ट्यूशन के फ्रेंड्स थे, बर्थडे पार्टी में मिलने के बाद 1.5 साल के बाद एक फेसबुक पे फोटो अपलोड होता है जिसमें वो लड़का उस बच्ची को किस कर रहा है, दोनों ही माइनर है। अब इस केस में उसके फैमिली वालों ने पुलिस को अप्रोच किया, हमें हमारी नॉलेज में केस आया, हमने काउंसलिंग करी, बच्ची क्लियर बोल रही है कि मैंने ये फोटो नहीं खिंचवाया, मुझे नहीं पता ये कैसे बना है, कहां से फोटो आया, लेकिन मैं इस लड़के को नहीं जानती, बस मैंने इसे बर्थडे पार्टी में देखा था। लड़के को बुलाया गया, माइनर था लड़का भी, उसने भी यही बोला कि मैं तो इसको नहीं जानता हूँ, बर्थडे पार्टी में मिला था, लेकिन ये किस करता हुआ, फोटो किसने बनाया किसने डाला मेरी नॉलेज में नहीं है। उसमें कंप्लेंट हो गई, कंप्लेंट में यह हुआ कि बस वो साइट से फोटो हटा दिया गया, फेसबुक पे वो नहीं है, उसके अलावा कहीं और चल रहा हो तो भी हमारी नॉलेज में नहीं आ पाता है। इसमें इसके फादर को बाद में हमने कांटेक्ट किया कि हम FIR करा रहे हैं इस पर, पुलिस की नॉलेज में केस आ गया, साइबर सेल में केस चला जाएगा और हेल्प मिलेगी फर्दर आपको,
बट इनके फादर कह रहे मैडम हट तो गया फोटो, हमें और कुछ नहीं कराया, हमारा समाज ऐसा है, लड़की का मामला है, मैं कहीं बाहर नहीं भेजूंगा, मैं कोर्ट तक नहीं भेजूंगा इनको। इसी तरह जैसे एडल्ट होते हैं, एडल्ट में भी हमारे पास विक्टिम आती हैं, और एडल्ट वाले में अगर वो रिलेशनशिप में भी रही है, लेकिन किसी का राइट ये नहीं है कि वो उसकी वीडियो बना दे और बाद में उसकी वीडियो अपलोड करके उसे थ्रेट दे। रेगुलर धमकी मिलती रहती है विक्टिम को, वो कहता है भाई शादी कर लूंगा तेरे से, कोई नहीं मुझसे गलती हो गई, माफी मांग लूंगा। 2 साल 4 साल 5 साल निकलने के बाद विक्टिम को मालूम होता है कि वो शादी से भी रेफ्यूज कर रहा है, तब वो FIR कराने आती है। तो पुलिस का डायरेक्टली जवाब होता है कि इतने साल से क्या सो रही थी तुम। तो खैर हम एज अ सोशल वर्कर या हम काउंसलर हम सपोर्ट में उसके बोलते हैं कि अब आइए, ये अब उसको लग रहा है कि क्राइम हो रहा है, मेरी वीडियो या मेरे फोटो शेयर कर दिए, उसके दोस्त उसके पास पहुंच गए, मेरा फोटो उसके दोस्त ने दिखाया कि दीदी तुम्हारा फोटो मुझ तक आ गया है, तो अब मुझे ये कंप्लेंट करनी है कि मेरे फोटो हट जाए नेट पर या सोशल मीडिया पर, जहाँ पे भी इसने डाले वो फोटो मेरे डिलीट करवाए जाए सारे, और मैं फिर उसके बाद में FIR कराऊंगी या मैं कंप्लेंट देना चाहूंगी। तो इसमें भी हमें बहुत दिक्कत आती है, पुलिस स्टेशन में डायरेक्टली एकदम से केस नहीं लिया जाता, बाकायदा हम कंप्लेंट लिख के देते हैं, SHO से बात करते हैं, SCP से है, DCP सर के पास इंफॉर्मेशन चली जाती है केस की, उसके बाद एक छोटी सी कंप्लेंट बना देते हैं 376 में रेप के एलिगेशन आ गए, लेकिन जो उसकी वीडियो वायरल हो रही है रेगुलर और जो उसके फोटोज अपलोड हो रहे हैं वो तो नहीं रोके गए, रेगुलर कंप्लेंट आ रही है कि मैडम वो फोटो नहीं हटाते गए, फोटो ने ठीक है कोर्ट में हम कहते हैं कि चलो 164 हो जाने दो, 164 कोर्ट के बयान में आप ये रिवील कर देना कि ऐसे ऐसे चीजें भी हुई हैं, ठीक है 164 में हो गए, जज साहब ने कह दिया सेक्शन लग गया, लेकिन वो फोटो वीडियो नहीं हटे। 4-5 महीने बाद कि भाई ये हट गए हैं आपकी, अब फोटो आपके नहीं है, लेकिन हम फर्दर पूछते हैं कि आगे मैडम ऐसा तो नहीं होगा, IO से कांटेक्ट में रहते हैं हम रेगुलरली, IO कहते हैं मैडम साइबर सेल में चला गया वो, तो मैं अब नहीं देख रही हूँ, अब वो मेरा केस नहीं है। IO को भी नहीं मालूम होता कि आगे केस में क्या चल रहा है। तो मेरा क्वेश्चन मैडम से यही है कि फिर हम क्या करें, क्योंकि पेरेंट्स को हम गाइड कर देते हैं, बच्चों को भी गाइड कर रहे हैं हम इन चीजों के लिए कि सोशल मीडिया ठीक है चला रहे हो आप, व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, फेसबुक, लेकिन थोड़ा अवेयर होके करो, लेकिन अवेयर होने के बाद भी ये चीजें हो जाती हैं तो फिर तो इश्यूज है ही, बच्चों को इतनी नॉलेज नहीं होती, इवन एडल्ट जो लड़कियां होती हैं वो भी इन बातों में आ जाती हैं। ये बात जरूरी है कि हम पुलिस में भी ये ट्रेनिंग दें, और हम दे भी रहे हैं, क्योंकि वो क्या सोचते हैं कि जब तक किसी को बॉडीली हार्म नहीं हो तो वो इंजरी नहीं है, या वो ग्रीवियस हर्ट है, या वो अटेम्प्ट टू रेप है, या रेप है तभी कुछ कानून के खिलाफ हुआ है। ये बात हम उनके ट्रेनिंग में बार बार बोलते हैं कि जो अगर पब्लिश कर रहा है कोई अश्लील तस्वीरें या पब्लिश करके उसको सर्कुलेट कर रहे हैं, किसी की मानहानि हो रही है, उसको फियर ऑफ ब्लैकमेल या थ्रेट करके आप उसको परेशान कर रहे हैं, वो सब एक्टिविटीज और स्पेशली अश्लील तस्वीरें वो भी बच्चों की लगाना तो बिल्कुल ही गैर कानूनी है। और जो अपना IT एक्ट है उसकी धाराएं हम बताते हैं 67, 67A, 67B, मतलब उसमें 5 साल की सजा और मतलब नॉन अवेलेबल है। तो ये सब चीजें हम उनको बता रहे हैं। तो ये अगर कोई रजिस्टर नहीं कर रहा है FIR और इन धाराओं को यूज नहीं कर रहा है तो वो गलत है। उसको आप ये चीज बताइए कि ये IT एक्ट की धाराएं हैं, और पॉक्सो में भी इसकी बहुत कड़ी सजा है, 5 साल से ज्यादा सजा दी गई है, स्पेशली अगर बच्चों को रिलेटेड कोई ऐसी वीडियो बना करके और वायरल कर रहा है या तस्वीरें मॉर्फ कर रहे हैं तो ये कम्प्लीटली मतलब इलीगल है। जहां तक कि कई मैटर्स ऐसे भी हुए हैं कि जहां पर वो जिसने गलती करी है मान ली गई है और उन्होंने एक अंडरटेकिंग दे दिया है कि हाँ हम ये आगे से नहीं करेंगे, पर फिर भी ये क्रिमिनल ऑफेंस तो है तो उसमें कार्रवाई बनती है और FIR होना चाहिए।
और कई कोर्ट्स में इंजंक्शन ऑर्डर्स भी लिए जा सकते हैं, कई कई मैटर्स में लिए गए हैं कि जिसमें कि एक आगे से ये चीज़ रिपीट ना हो, जितना भी उसके पास मटेरियल है कहीं भी इलेक्ट्रॉनिकली सेव्ड है या कुछ है उसको वापस देना होगा, वो डायरेक्शंस ली जा सकती हैं और ताकि वो चीज़ दोबारा ना हो। रिवेंज पॉन को लेकर के एग्जैक्ट वर्ड नहीं यूज हुआ है आईटी एक्ट में, लेकिन उसके इंग्रीडियंट्स अगर आप देखेंगे तो posting of anything which is obscene or explicit, sexually explicit in nature or publication or circulation or dissemination is an offense, वो तो IT Act कहता है और POXO में भी है, तो इसलिए आप उन धाराओं को यूज करिए और कोर्ट के जरिए से आप डायरेक्शंस, प्रॉपर डायरेक्शंस भी ले सकते हैं और उनको सजा भी होगी इन इन धाराओं को अगर यूज करेंगे, क्योंकि पुलिस सोचती है कि कुछ किसी को रेप तो हुआ नहीं है, किसी को मारा तो नहीं है, तो वो उन चीजों को अपराध समझती है लेकिन इन चीजों को अपराध नहीं समझती, जबकि इस इन चीजों के होने से ज्यादा मानहानि और ज्यादा प्रॉब्लम्स, जैसे कहते हैं ना साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स महिलाओं के साथ बहुत बढ़ गई हैं, बच्चों के साथ बहुत बढ़ गई हैं, उन चीज को नजरअंदाज कैसे कर सकता है कानून, और तभी तो ये कानून बना है, और बना है तो उसे इम्प्लीमेंट करे ना, उसे इन्फोर्स करे, ये चीज बोलनी बहुत जरूरी है। धन्यवाद कर्णिका जी। सभा, हाँ सभा बोलना चाहती हो, फिर से बोलो। मैडम जैसे आपने बताया कि आईटी एक्ट के बारे में आपने बताया, आईटी एक्ट 67 मेरे केस में ये लगा था आईटी एक्ट, ठीक है, एफआईआर मतलब इतना मैं कर लेती हूँ कि एफआईआर तक बात पहुंच जाती है, कोर्ट तक चली जाती है, तो एफआईआर के बाद वो वीडियो डिलीट हो जाती है लेकिन एक्यूज्ड का लिंक नहीं मिल पाता, तो उसमें क्या करें? अक्यूज्ड का लिंक नहीं, अक्यूज्ड का लिंक तो देना पड़ेगा कि कौन है अक्यूज्ड, उसमें सिर्फ वीडियो डिलीट करने से तो नहीं होगा। ये जो एक्चुअली जो इंटरमीडियरीज हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से चला रहे हैं, वो लोग अपने कानून के हिसाब से बोलते हैं कि वहां पर जैसे अमेरिका है तो अमेरिकन लॉ के हिसाब से वहां सब पुनिया लेना पड़ेगा या आपको वहां जाना पड़ेगा, लेकिन अगर वो यहाँ बिजनेस कर रहे हैं और यहाँ उनके कस्टमर्स और यूजर्स हैं, उनको अगर प्रॉब्लम्स पहुंच रही हैं तो उनका फर्ज बनता है और लॉ भी ये कहता है कि उनको हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, चाहे सील्ड एनवलप में कोर्ट को क्यों ना देना हो, वो उसे दें ताकि कम से कम पता चले कि कौन उसमें अक्यूज्ड है। सिर्फ लिंक हटाने से तो नहीं काम बनेगा, और उसको भी डील करना जरूरी है, जिसने ये क्राइम किया उसको पनिशमेंट मिले, तभी तो ये कानून प्रॉपरली न्याय मिलेगा एक किसी पर, किसी भी महिला को के साथ अगर ऐसा हुआ है, और उसको आगे जाके रोका भी जा सकता है, क्लियर डायरेक्शंस ली जा सकती हैं, तो ये कोऑपरेशन मिलनी बहुत जरूरी है और ये डायरेक्शंस कोर्ट जरूर देना उनकी, उनके लिए बहुत जरूरी है कोर्ट को ये डायरेक्शंस भी देना और ये रिवील करें कि कौन अक्यूज्ड है। सभा कुछ और पूछना है या? हाँ पूछो पूछो। ऐसे केसेस में विक्टिम ट्रॉमा में चली जाती है, जब तक हमारे पास विक्टिम का केस आता है तो मतलब इतना हरेसमेंट हो चुका होता है कि फैमिली भी उसे टॉर्चर कर रही है कि तुमने बनाई होगी वीडियो, तुम इसमें इन्वॉल्व होंगी, तुम उस लड़के को जानती होंगी, तो ये सोशल मीडिया में आ गया। घर से निकालने की बात होती है उसमें भी हम सपोर्ट करते हैं, फैमिली काउंसलिंग कर देते हैं, बच्चों की बात होती है उसमें भी। कैंसर पेशेंट है मेरी विक्टिम और वो बहुत मतलब ऑलरेडी कैंसर पेशेंट है और उसकी वीडियो रेगुलरली अपलोड होती गई, आईटी एक्ट लग गया, वीडियो हट गई है, वो एक्यूज्ड कोर्ट में बोल रहा है कि मुझे भी नहीं पता ये किसने बना दी है वीडियो, तो उसमें भी हम कोई ऐसी विक्टिम्स के लिए क्या हम कंपेंसेशन अप्लाई कर सकते हैं कोर्ट के से? देखिए फाइन जरूर लगते हैं, फाइन भी दे सकते हैं और अगर उनके साथ ऐसा हुआ है तो पनिशमेंट भी मिलना जरूरी है, ये होना चाहिए। और जो महिला सदन है या जो भी महिला जैसे एनजीओज हैं वो या जो वेलफेयर ऑफिसर्स हैं वो भी उनकी मदद कर सकते हैं, काउंसलिंग भी कर सकते हैं, और जहाँ तक कि कॉम्पनसेशन का सवाल है बिल्कुल मिल सकता है, अगर उनकी डिफेमेशन हुई है तो डैमेजेस क्लेम बिल्कुल बनता है, तो वो एक सिविल सूट भी डाल सकते हैं, क्रिमिनल डेफेमेशन डाल सकते हैं, तो ये सब रेमेडीज हैं, ये सब मतलब प्रावधान हमारे पास बने हुए प्रोविजंस हैं लॉ में, और कॉम्पनसेशन भी मांग सकते हैं, उनकी मानहानि हुई है, उनको इतना मेडिकल एक्सपेंस भी उठाना पड़ा, इतना उनको डिप्रेशन हुआ, उन्होंने डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, वो सारे बिल लगाइए, और मेंटल ट्रॉमा और टॉर्चर हुआ,
ये सबके लिए एक कॉम्पनसेशन प्यूनिटिव भी दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है। राजमंगल सर, आप कुछ एडवाइस करना चाहेंगे सभा को? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। सर अब आपकी आवाज नहीं आ रही है। राजमंगल सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं इसमें ये भी बताना चाहूंगी कि फ्री लीगल एड सर्विसेज भी प्रोवाइड होती हैं हमारे हर कोर्ट्स में। लीगल सर्विसेज कमिटीज हैं, लीगल एड कमिटीज हैं। तो अगर कोई जैसे पर्सन ऐसा है जिसमें वो अफोर्ड नहीं भी कर सकते हैं फीस देना, तो वो वहां से फ्री लीगल एड सर्विसेज भी ले सकते हैं। हर स्टेट के पास एक कमिटी है, तो एक इस तरीके से ये पॉसिबल है। और डैमेजेस भी मांग सकते हैं, पनिशमेंट भी मांग सकते हैं, जो जो लीगल रिड्रेस पॉसिबल है हमारे कानून के हिसाब से, वो सारी चीजें मांग सकते हैं उसको। राजमंगल सर, सर आप बोलिए। हाँ नहीं आ रही। हम ऐसे करते हैं, भावना से बात कर लेते हैं या फिर और वर्षा से, तब फिर सर क्या माइक। हाँ वर्षा, वर्षा आप बोले। वर्षा वर्षा अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट कीजिए। वर्षा अनम्यूट कर लीजिए। हाँ तो मेरे पास कोई ऐसा पर्टिकुलर केस नहीं है डिस्कस करने के लिए, बट बिकॉज हम भी डोमेस्टिक वायलेंस के केस पे काम करते हैं, बट समटाइम व्हाट हैपेंस इज लाइक हमारे पास कभी कभी कुछ ऐसे केसेस आ जाते हैं जहाँ पे जैसे एक रीसेंट केस हमारे पास जो आया था, वो ऑनलाइन चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज नहीं था, बट उसको बस फोन पे थोड़े दिन हैरेस किया था, बट उसके बाद फिजिकली उसको सेक्सुअली अब्यूज करा। उसके बाद ये लॉकडाउन के टाइम पीरियड में हुआ, और उसके बाद हमने हमको उसकी FIR कराने के लिए एटलीस्ट 20 to 25 डेज लग गए, जस्ट सिर्फ FIR रजिस्टर करने के लिए। और उसके लिए भी हमें काफी कोशिश करनी पड़ी, हमें सीनियर ऑफिशियल से बात करनी पड़ी उसके लिए। FIR कराने के बाद भी इवन जो हमारे बाकी के प्रोसीजर्स होते हैं 164 एंड एवरीथिंग, उसके लिए भी हमको बहुत ही ज्यादा टाइम लग गया। एंड वो पूरा केस मतलब होते होते हमें एक महीने से ज्यादा टाइम लग गया। उसके साथ ही सिर्फ इवन जो जो सर्वाइवर होते हैं उसके साथ कैसा बिहेव होना चाहिए, एज इन कि उसकी काउंसलिंग एंड सोशल स्टिग्मा जो अटैच हो जाता है उसके बाद, उस जो आसपास के लोग हैं, जो पेरेंट्स हैं, उसको कैसे ट्रीट करते हैं, उसके बारे में भी मोस्टली लोग अवेयर नहीं होते हैं। और इस काफी इसके इसके कारण हमको भी काफी परेशानी हुई थी कि हमें उस जो सर्वाइवर है, सर्वाइवर सिर्फ 13 साल की लड़की थी, तो हमें उनको कैसे ट्रीट करना है। और हमें कोई ऐसा काउंसलर नहीं मिल रहा था फ्रॉम डिपार्टमेंट और कोर्ट की तरफ से भी, जो एक एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे उस बच्ची को। तो ये सारी बेसिकली हमारी जो प्रॉब्लम्स होती है, जो भी मैंने चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज के केसेस देखे हैं, इवन ऑनलाइन और ऑफलाइन फिजिकली, प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है सोशल स्टिग्मा जो उससे अटैच्ड होता है। दूसरा अबाउट प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होती है वो बहुत हेल्पफुल नहीं होती है अनटिल एंड अनलेस आप कोई बहुत ही बड़ा रिसोर्स अगर आप यूज कर रहे हो या आप हायर अथॉरिटीज के पास जा रहे हो, बिकॉज लोअर अथॉरिटीज जो होती है वो इस चीज को बहुत सीरियसली भी नहीं लेती है।
तो इसके साथ ही जो हमने गांव में हमने थोड़ी बहुत इसके बारे में बिकॉज हमारा काम जो होता है मोस्टली इट्स मतलब वो रूरल एरियाज में होता है, तो वहां भी हमने सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस छोटे मोटे अवेयरनेस करने की कोशिश की है। और काफी लोग काफी रिजिड होते हैं बिकॉज आप 2-3 सेशंस करके उनको ये नहीं बता सकते हो कि अगर किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ हुआ भी है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, या फिर आप सर्वाइवर की जगह आपका जो गुस्सा है वो जो जिसने ऐसा कुछ किया है उसकी तरफ होना चाहिए। तो ये सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है जो कि आई डोंट थिंक सो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो एक साल या कुछ ऐसे दिनों में इसके में ऐसी खत्म हो सकती है। उसके लिए हमें आई थिंक काफी टाइम तक उस पे एक जनरेशन वो चली जाती है उस स्टिग्मा को खत्म करने के लिए। बट वन एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी प्रॉपर रन करना, जैसे कि स्पीडी ट्रायल होना, प्रॉपर काउंसलिंग सर्वाइवर की होना, ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है क्योंकि झारखंड एक अंडर डेवलप्ड स्टेट है। तो ना ही सिर्फ लोअर लेवल पे बट कभी कभी हमें ऐसा भी फेस करते हैं कि अपर लेवल पे भी जो ऑफिशियल्स होते हैं वो बहुत अवेयर नहीं होते, उन्हें खुद नहीं पता होता है कि कैसे ट्रीट करना है इन केसेस को, आपको सर्वाइवर को एक कैसा इन्वायरमेंट देना है सो दैट वो कंफर्टेबल रहे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो मैंने फेस की है मतलब के ऐसे केसेस डील करने में। और क्योंकि जैसे भावना और सबा जी ने बताया कि मैंने इतना ज्यादा हीनियस टाइप में नहीं देखा है, मैंने बहुत ही नॉर्मलाइज छोटे मोटे ऑनलाइन अब्यूज में हैंडल किए हैं। और जो मैंने ऑफलाइन मतलब फिजिकल जो सेक्सुअल अब्यूज चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हुए हैं उसमें जब मैंने कोशिश की है थोड़ी एडवोकेसी करने की तो वो काफी डिफिकल्ट होता है, टाइम टेकिंग काफी ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो ये सारे इश्यूज हैं जो यूजुअली हम फेस करते हैं। और मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है क्योंकि और मुझे मेरे पास बहुत ज्यादा भी एक्सपीरियंस नहीं है, मैं पिछले 1 साल से 9 मंथ्स बेसिकली मैं 9 महीने से काम कर रही हूँ, तो बहुत ज्यादा आप लोगों की तरफ तो एक्सपीरियंस नहीं है, बट हाँ ये सारी चीजें जो मैंने फेस किया है। अगर आप रूरल एरियाज में काम कर रहे हैं तो आई थिंक जो भी वहाँ के पंचायत हैं उनमें एक लेडी पंच मतलब पंच होती हैं, तो कभी आपने उनके साथ इंटरेक्ट किया कि इस चीज पे कि किसी किसी के साथ ऐसा क्राइम हुआ है और आपने उनके साथ डिस्कस किया हो कि इस चीज पे कुछ कार्रवाई नहीं हो रही? हमने एक्चुअली इतना प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ पंचायत भी नहीं होता है इन एरियाज में, दे मोस्टली बहुत सारे ट्राइबल एरियाज होते हैं और वहाँ पे इतना प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ पंचायत नहीं होता। बट हमने कुछ केसेस में हमने पंचायत हेड जो मुखिया है हमने उनसे भी बात करने की कोशिश की है। तो 2 केसेस ऐसे मैंने हैंडल किए हैं, उन दोनों में मुखिया का एक ही रवैया होता है कि मैडम ये सब घर की बातें हैं, ये लोग को खुद ही सॉल्व करने तो हम नहीं पड़ेंगे, क्योंकि फिर वो एक तरह से डिवीजन हो जाता है गांव में कि टू व्हाट अबाउट साइड। जो वहां पर वुमेन सेल है जहां पर आप इस केस को डील कर रहे थे, तो वुमेन सेल हमने एफआईआर हमें हाँ हमने एफआईआर जब कराई थी तो हमने थ्रू विमेन्स सेल के थ्रू ही उसको वो किया था, इनिशिएट किया था। बट आई थिंक वो भी इतने कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो सॉर्ट ऑफ एक प्रॉपर काउंसलिंग एनवायरनमेंट और ऐसा कुछ एक एनवायरनमेंट दे पाए। द वर्स्ट पार्ट वाज कि जो हमारी जो सर्वाइवर थी उनको पुलिस अपने साथ 164 कराने ले गई थी, इंस्टेड शी वाज रेजिस्टिंग कि हमको मतलब हमें पुलिस के साथ नहीं जाना है, मैं अपने खुद के अरेंजमेंट के थ्रू जाना चाहती हूँ, बिकॉज शी डिडंट वांट टू शी डिडंट मतलब वो कंफर्टेबल नहीं थी पुलिस के साथ जाने में। बट उसको जबरदस्ती पुलिस के साथ ही ले जाया गया और बिकॉज लॉकडाउन था तो हम भी वहां पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे, तो हम बहुत ज्यादा एडवोकेसी अच्छे से भी नहीं कर पा रहे थे। तो हाँ मतलब ये सारी यूजुअली होती है। इन सिनारियों में जैसे आप अभी बता रहे थे राजमगर सर भी कि भी आप जैसे दिल्ली में तो DCPCR है, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन है, वैसे ही उस स्टेट के जो अथॉरिटी है उनको आप कांटेक्ट करिए, क्योंकि और कई एनजीओस भी हैं जो उस एरिया के काम करते होंगे जो इंसिडेंट रिस्पॉन्स दे सकते हैं, जिनके एक नेटवर्क बन रखे हैं इस तरीके की प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए, तो वो आपको और
आपकी जो एडवोकेसी उसको ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं वहां पर, क्योंकि आप अकेले हो पड़ जाओगे, आप वहां काम नहीं, आपका कोई सुनेगा नहीं, पुलिस भी नहीं सुन रही है, तो उस केस में आपके पास ज्यादा लोगों का साथ होना बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी आपके साथ हो तो वो ये सब नहीं करेंगे और वो प्रॉपरली डील करेंगे उस चीज को। तो आप वो कोशिश करिए कि कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी या एनजीओ आपके साथ इस चीज में जुड़े और आपकी मदद कर पाए। या तो खैर आप जा ही सकते हैं, वो एक ऑप्शन है ही, बट अगर इंसिडेंट रिस्पॉन्स में एकदम जरूरत पड़े और कार्रवाई नहीं हो रही है तो वो पब्लिक अथॉरिटीज को भी आप यूज कर सकते हैं या फिर आप कोर्ट के जरिए से ऑर्डर्स ले सकते हैं। मैम धन्यवाद। रमनिका की बारी है। वर्षा इसको हम थोड़ी देर बाद, क्योंकि हम लोगों का समय काफी होता जा रहा है, रमनिका ने को बोलने का मौका नहीं मिला है, तो रमनिका अगर आप बोले। मैम सर गुड इवनिंग सर, मैम आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरे पास अभी लास्ट वीक एक केस आया था रेप का, जिसमें जो विक्टिम थी वो माइनर थी, जिसकी एज थी 16, तो उसके साथ क्या हुआ था, वो एक बॉयफ्रेंड के साथ लगी थी, मतलब कहते हैं उसकी एक लड़के से दोस्ती हो गई थी, तो उसके साथ वो 2 साल अटैचमेंट थी, सिर्फ बातचीत ऑन कॉल होती थी, लेकिन जो लड़का था एक्यूज था वो उसकी आइडिया थी, कम से कम 10 आइडिया थी, वो फेक आईडीज यूज करता था अलग अलग नाम से वो इंस्टाग्राम पे, और जब लड़की की ज्यादा बातचीत होने लगी तो जो लड़का था वो लड़की को फोर्स करता था कि आप एक बार मेरे से मिल लो, एक बार मेरे साथ मेरे साथ घर चलो, मैं अपनी फैमिली से मिलाता हूँ। लड़की बातों में आकर उसके साथ उसके घर भी चली गई। जब लड़की उसके घर गई थी तो क्या कहते हैं, वहाँ पे उसे पता चला कि उसकी फैमिली है, उसकी मम्मी है, उसकी सिस्टर वगैरह है, लेकिन लड़की को इतना मतलब क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन लड़की उसके साथ अलग कमरे में चली गई। लड़की जब उसके साथ अलग कमरे में गई तो कहते हैं वो कुछ करने की कोशिश कर रहा था, बट लड़की ने करने नहीं दिया, तो लड़की ने जबरदस्ती उसकी फोटोज वगैरह खींच ली। एक दो बार ऐसे ही हुआ, लड़की का उसका घर में आना जाना हो गया था, लेकिन अभी लास्ट वीक मेरे पास जब ये केस आया था, उन्होंने 18 तारीख को मुझे ये पता चला कि विक्टिम ने बताया कि कहते हैं ये जो उसके लास्ट टाइम जब उसके घर गई थी तो विक्टिम ने उसकी फोटोज वगैरह जो खींची थी उसको लेके वो ब्लैकमेल कर रहा था, उसकी फोटोज को नूड कर दी थी, मतलब एडिटिंग कर दी थी उसके फोटोज पे। उसको ब्लैकमेल करने के बाद उसके साथ उसने फिजिकली रिलेशनशिप बनाए, और कहते हैं लड़की इतनी ट्रॉमा में चली गई कि लड़की अब वहां से अपने घर वापस आने में इतना डर रही थी, हिचकिचा रही थी, मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रही थी उसको। जब आई अपने घर पे, जैसे तैसे वो आई, उसके नेक्स्ट टाइम उसको जो पेन वेन हो रहा था, उसको बहुत प्रॉब्लम हुई थी फिजिकली, वो मेंटली भी बहुत ज्यादा ट्रॉमा में चली गई थी। जब हमारे पास ये केस आया तो हमने डिस्कस करा, हमने बातचीत करी, काउंसलिंग करी उसकी, तब वो अपने पेरेंट्स को नहीं बता पा रही थी, कंफर्टेबल ही नहीं थी, मतलब अपनी यहाँ तक कि मम्मी को भी उसने कुछ नहीं बताया था। उसकी मम्मी ने उसको बात करते हुए देख लिया अर्ली मॉर्निंग इंस्टाग्राम पे, तो जब उनकी मम्मी को ये पता चला, उन्होंने मैसेज पढ़े, उसके थ्रू वो ये केस थाने में पहुंचा। जब थाने से हमें कॉल आया, हम काउंसलिंग के लिए गए, देन हमने काउंसलिंग करी, तब विक्टिम अपनी मदर को नहीं बता पा रही थी, वो चीज उसने हमें बताई कि दीदी ऐसे ऐसे बात थी मेरे साथ, ऐसे ऐसे हुआ कि वो लड़का मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए मैं उसके घर चली जाती थी, वरना मैंने आज तक कभी मम्मी को बिना बताए कोई क्लास बंक नहीं करी, लड़की 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। तो मैं ये आपसे क्वेश्चन था मेरा कि हम इस चीज को कैसे रोक सकते हैं, लड़का एक आईडी नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, वो कम से कम 10-10 आईडी अलग अलग नाम से यूज कर रहा है और लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहा है। जब लड़की की पुलिस ने छानबीन करी तो जब लड़की की आईडी की उसने जब देखी पुलिस वालों ने, तो उसकी जो 10 आईडी थे ना, कम से कम उसके आईडी में 50 से ज्यादा लड़कियां ऐसी थी जो उसके टच में थी, और 3-4 लड़कियों के साथ वो ऐसे क्राइम कर चुका है, तो हम इस क्राइम को कैसे रोक सकते हैं? देखिए, एक तो वो अपनी रियल आइडेंटिटी बता नहीं रहे, तो चीटिंग तो है ही, रेप केस भी हो सकता है, रेप है और चीटिंग, पूरा प्रॉपर रेप है, और इसकी हमने FIR वगैरह भी कराई है, प्लस मेडिकल भी हमने इनका कराया है। बट मैं बस यही क्वेश्चन कर रही हूँ कि हम इस चीज को रोक कैसे सकते हैं कि आगे से ये और किसी के साथ ना हो, क्योंकि आजकल जो ये केसेस चल रहे हैं चाइल्ड को लेके, लड़कियों, खासकर लड़कियों को लेके, लड़के इतना ट्रॉमा में चली जाती है, जो यही केस मेरे पास है, लड़की इतनी ट्रॉमा में थी
3 दिन रेगुलर मैंने उनसे काफी बातचीत करी। अब थोड़ी लड़की नॉर्मल कंडीशन में आई है, अपने पेरेंट्स के भी अच्छे से बात तो है ही। आप इसे जब तक इनको इस चीज की सजा नहीं मिलेगी वो यही सब करते रहेंगे। ही हैज टू बी पनिश्ड फॉर दिस ऑफेंस एंड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के अलावा मतलब जैसे अब चीटिंग का केस है साथ में, ये भी एक्सटॉर्शन भी कर रहे हैं साथ में, ही इज आल्सो पुटिंग हर अंडर फियर, जैसे उसको डर पहुंच रहा है कि अगर वो ये नहीं करेगी तो वो उसे डिफेम करेंगे, तो ये एक्सटॉर्शन भी हो सकता है। डिपेंड्स कि किस तरीके का थ्रेट है उनको। यही एक्सटॉर्शन, चीटिंग, रेप, ये सब चीटिंग बाय पर्सनेशन, ये सारे ऑफेंसेस लगते हैं इस तरह के सिनेरियो में, और इस पे सजा होनी बहुत जरूरी है। जो भी इनके पास मॉर्फ पिक्चर्स हैं या जो भी इन्होंने क्रिएट करी, सारा पुलिस को अपनी कस्टडी में ले लेना चाहिए, कॉन्फिस्केट करें। और मतलब जब तक की सजा नहीं होगी तो इट इज डिफिकल्ट, और डिफेमेशन के लिए भी सूट भी डाला जा सकता है। सजा तब तक की कितने साल तक हो सकती है, कॉम्पनसेशन भी लिया जा सकता है, प्लस एक कोर्ट से इंजंक्शन भी हो सकता है इनके अगेंस्ट कि ये इस तरह की हरकत दोबारा ना करे। मैम कॉम्पनसेशन से एक बात याद आई, मेरे पास एक लास्ट में केस आया था लास्ट अप्रैल में, 16 साल की माइनर ही बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ। तो उसका जो रेप का मैटर था वो 4 लोगों का था कि 4 अलग अलग लोगों ने उसके साथ रेप किया था, उसमें उनके स्टेप फादर भी थे जो इंसिस्ट में आते हैं, और उनके एक रिलेटिव थे वो भी थे, और उनका एक अलग से बॉयफ्रेंड भी था, और एक जना और था जो उनके नेबर में थे। तो बच्ची के साथ जो भी हुआ, हमने सारी FIR हो गई, इसका मेडिकल ट्रीटमेंट, बच्ची प्रेगनेंट थी 4 मंथ, उसका अबॉर्शन भी हमने करवाया है जीटीबी हॉस्पिटल में, उनका अबॉर्शन करवाया। तो मेन मेरा ये था कि हम इसमें कंपनसेशन हमें लगा है, फाइल भी मूव्ड हो गई है, बट ये कहते कंपनसेशन उन्हें कब तक मिल जाएगा? देखिए मतलब ये तो है कि एक महीना, 2 महीना, 3 महीने या कोई टाइम पीरियड हो कि हाँ हमें पता चल रहा है, जिसमें अब थोड़ा समय तो लगता है, कोर्ट कोई भी केस इन्वेस्टिगेट करती है या कोई भी कॉम्पनसेशन भी ग्रांट करना है उसमें कोर्ट की कार्रवाई तो होगी, पर ये हो सकता है कई केसेस ऐसे जो बहुत सीरियस केसेस हैं, या इट्स वेरी सैड टू नो कि इस तरह के केसेस हुए हैं और हो भी रहे हैं, हमें मालूम है, ये रोज अखबार में पढ़ते हैं या कोई कोई ना कोई न्यूज चल रही है, रूरल एरियाज में भी, अर्बन एरियाज में भी कई बार ये सुनने में आता है। तो ये कार्रवाई होगी और उसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन इस चीज को परस्यू करिए, क्योंकि कोई क्रिमिनल इस तरीके का क्रिमिनल सोसाइटी में बिना पनिशमेंट के नहीं जाना चाहिए, उसको सजा जरूर होनी चाहिए उसको सजा, ताकि वो और लोगों की जिंदगी भी ना खराब करे। बेसिकली मैम एक और क्वेश्चन था, एक माइनर जो केसेस आते हैं हमारे पास माइनर रेप केसेस में, इनकी सजा 10 साल होती है या इससे भी ज्यादा होती है? जो आप क्या कह रहे हैं मैम, जो हमारे पास माइनर रेप केसेस आते हैं, तो मैं इसमें कंफर्म करना चाहती थी, इसमें जो सजा होती है एक्यूज को वो 10 साल होती है या किससे भी ज्यादा होती है? देखिए फैक्ट्स पे डिपेंड करता है, कई बार और भी ऑफेंसेस ओपन हो जाते हैं, तो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि वो कितनी सजा दें। जैसे कह रहे हैं एक्सटॉर्शन हम कह रहे हैं, या अगर हम कह रहे हैं कि रेप भी है साथ में, आप उसमें और भी चीजें जोड़ देंगे, अगर जैसे कहते हैं ना ब्लैकमेल भी है और चीटिंग बाय पर्सोनेशन भी डल रहा है, तो वो सब चीजें डिपेंड करती हैं कि कोर्ट क्या डिस्क्रिप्शन लेते हैं और अपनी उसमें क्या वो सजा देना चाहें। बट नॉर्मली 5 साल तो मिनिमम उसकी पोर्नोग्राफी की ही है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, तो उसमें ही कम से कम 5 साल की सजा है, और उसके अंदर अलग अलग है 7 ईयर्स या मोर। हाँ तो आप वो देखेंगे उस चीज को, रेप में भी तो आप उसको कंपाउंड भी हो सकते हैं, बहुत सारे केसेस कहते हैं ना सेक्शंस ऑफेंसेस जुड़ भी सकते हैं, तो वो अल्टीमेटली कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या ग्रेविटी और क्या पनिशमेंट होनी चाहिए। थैंक यू मैम। ओके थैंक यू। इस चर्चा से ये तो बहुत क्लियर हो रहा है कि प्रिवेंशन के लिए भी प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट जो है केस को कंक्लूजन तक ले जाना बहुत जरूरी है। तो जब तक नहीं होता है तो वो जो ट्रस्ट होता है लोगों में रिपोर्ट करने को लेकर के या केस को फॉलो अप करने के लिए नहीं हो पाता है। जब हम देखते हैं अपने चारों ओर कि कोई भी एक ऐसा
ऐसा हीनियस क्राइम का कोई केस है और वो किसी भी तरह से कंक्लूजन की ओर नहीं जा रहा है या पनिशमेंट नहीं हो रही है, तो वो डिटरेंट नहीं बनता है सोसाइटी में, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस बारे में जो आपने एक एग्जांपल दिया है रमनिका, वैसा एग्जांपल भावना के पास भी है कि एक ही लड़का है जो बहुत सारी लड़कियों के साथ में उसके रिलेशन है और बहुत एक्सप्लॉइट कर रहा है, कभी कभी एक सिंगल पर्सन रैकेट के तरह से भी होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भावना वो वाला केस थोड़ा शेयर करें, और इसके बाद राजमंगल सर इसके बारे में अगर बता पाए कि सर इसमें जब जो स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, जो क्वासी जुडिशियल बॉडीज भी हैं, जो DCPCR है या NCPCR है, NCW है, DCW है, वो प्रोएक्टिवली क्या कर सकता है? क्या क्या हम इन काउंसलर से या NGO से या विक्टिम या सर्वाइवर से एक्सपेक्ट करें वही, क्योंकि वो एक देखने में ये भी आ रहा है कि वो नहीं अप्रोच कर पाते, तो क्या कोई प्रोएक्टिव प्रोग्राम भी हो सकता है इन बॉडीज का कि वो ही कुछ प्रोग्राम चलाएं और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के कुछ प्रोग्राम चलाएं? भावना तुम थोड़ा सा बताओ, जरा सा ब्रीफ, और इसके बाद राजमंगल सर को सुनेंगे हम। मैम ये जो केस है ये एक ही लड़का है जो कई लड़कियों के साथ अटैच्ड है, मेजरली सब माइनर लड़कियां ही हैं, तो ये पिक्चर्स लेते हैं उनके देन विदाउट देयर कंसेंट, उनको नहीं पता है लड़कियों को कि उनके पिक्चर्स लेके आगे क्या किया जा रहा है, बट वो आगे उनको सेल करते हैं और दे हैव अ बिग गैंग। तो जो दूसरा पर्सन है उसका अकाउंट नंबर दिया जाता है, जो भी पैसे आते हैं वो उसके अकाउंट में आते हैं, तो ऐसे करके इनका पूरा गैंग है, एक पर्सन नहीं है, काफी सारे हैं। इवन ये लोग क्या करते हैं, एक पेज बनाया, ये एक लिंक बनाया, उसको वो 10 days तक एक्टिव रखते हैं, उसके बाद वो पेज जो डिसअपियर हो जाता है, देन इट अगेन रीअपीयर विद सम अनदर नेम, या तो और कंटेंट वही है, पेजेस वही है, स्टोरीज लगा देते हैं, जैसे 24 hours के लिए इंस्टाग्राम में ये एक ऑप्शन होता है स्टोरी लगाने का, तो वो फोटोज के ऊपर किसी भी लड़की की फोटो के ऊपर वो लिखते हैं कि अगर आपको 4 photos चाहिए और 2 videos चाहिए तो आपको 300-350 rupees देने हैं, आप अभी पे कर दीजिए और आपको ये पेमेंट, ये आपको वीडियोस तुरंत डिलीवर हो जाएंगी। और ये हमने एक किया भी है, एक हमारे पहचान के कोई लड़के हैं, उन्होंने ये ट्राई किया, उन्होंने बात करी उनसे, पेमेंट किया, पेमेंट करने के बाद उनको पास फोटोज ये पहुंच भी गई किसी दूसरे नंबर से। तो ये एक पर्सन नहीं है, कई सारे पर्सन का ग्रुप है। दूसरा एक और ये चीज करते हैं, ये लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं ऐसी वीडियोस की, जिसमें ये हायर कर लेते हैं, माइनर लड़की भी होती है और मेजर भी होती है, जिसमें ये लोग क्या करते हैं, बच्चों से पैसे ले लेते हैं और बच्चे दे भी देते हैं, और फिर वहां पे लाइव स्ट्रीमिंग दिखाई जाती है बच्चों को उनसे पैसे लेकर। तो इनका पूरा एक गैंग है जिनको एक ट्रैक करना आसान है, IP एड्रेस हो गया या मे बी उसके ID से, लेकिन बाकियों को कैसे ट्रैक किया जाए या वो रिवील करेंगे नहीं करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि ये काम एक का नहीं है, दिस इज अ बिग गैंग जो ये पोर्नोग्राफी और ये जो पिक्चर्स हैं और ये जो बाकी चीजें हैं, ये पूरा जो जो आप कह रहे हैं ये रैकेट्स में ही फैलता है, नॉर्मली एक एक पर्सन का काम नहीं होता, इसमें और लोग बहुत इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो क्रॉस बॉर्डर हो, कई बार ये बाहर के देश के लोग भी इसमें मिले होते हैं, कई बार वो सिर्फ इंडिया के लोग हो सकते हैं, बट जो भी है इसमें पूछताछ करके, इन्वेस्टिगेट करके और फॉरेंसिकली उसको भी देख सकते हैं कि कौन से अकाउंट से जा रहा है, जो उसके फोन है तो उसका CDR डेटा निकलवाया जा सकता है, किस किस से बातचीत हो रही है, और वो सब पुलिस नॉर्मली अपने केस में ऐसे इन्वेस्टिगेट करते हैं जब उनको एक केस का कंप्लेंट मिलता है, तो वो सब डेटा और इन्वेस्टिगेशन उनका रोल बन जाता है कि वो डिफरेंट एविडेंस को कलेक्ट करके जो भी उनको इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चले उन लोगों को एक्यूज्ड बनाते हैं FIR में, और फिर वो लोगों के अगेंस्ट कार्रवाई होती है और सजा होती है, तो ये उनका जॉब है। अगर आपको एक का भी पता चले तो मैं सोचती हूँ कि आप FIR जरूर फाइल करें, और उसके बाद में फिर वो कार्रवाई होगी तो ये सब लोग पकड़े ही जाएंगे साथ में। सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही है, सर आप बिना ईयरफोन का बोल के देखिए,
उसको निकाल के बोल दीजिए, उसको सॉकेट को सॉकेट से निकाल दीजिए सर, उसको सर उसको 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 लैपटॉप से निकाल दीजिए। फिर भी नहीं आ रही आवाज, अनम्यूट कीजिए। हाँ अब बोलिए। आवाज नहीं आ रही, कोई ऑडियो इश्यू लग रहा है सर। बट मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी अजय जी, मैंने अभी तक बहुत सारे कोविड के टाइम पे और वैसे वेबिनार्स किए हैं, मैं इस विषय भी जानकार हूँ और प्रैक्टिशनर हूँ, बट मेरे पास भी एक लिमिटेशन है कि मैं हर फील्ड वर्कर से बात नहीं कर सकती, मैं वहां तक नहीं पहुंच सकती। बट इस प्लेटफॉर्म के जरिए और फ्लेयर और शिका, यू नो, हमारा जो आपस का कोऑपरेशन है कि हम इस चर्चा को फैलाएं, मैं आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेट करना चाह रही हूँ कि आपने ये इनिशिएटिव लिया, क्योंकि आपके इस प्लेटफॉर्म और इस हमारे जो अंडरस्टैंडिंग है इसके जरिए हम इतने सारे फील्ड वर्कर्स से बात कर पा रहे हैं, रियल लाइफ केसेस को डील कर पा रहे हैं, स्पेशली रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में दोनों को डील कर पा रहे हैं। ये अपने आप में एक टेक्नोलॉजी की जीत है और एक कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज की जीत है, और मैं ये चाहूंगी कि ये चर्चा जारी रहे और हम जितने लोगों तक पहुंच सकें, फील्ड वर्कर्स से बात कर सकें, उनकी समस्याओं को समझ सकें और उनको उनको कुछ भी मार्गदर्शन दे पाएं, लीगली भी या वैसे भी, तो हम बहुत आई थिंक खुशकिस्मत हैं और समझेंगे अपने आप को कि हम इसमें कंट्रीब्यूशन दे पा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच आज के ये चर्चा के लिए। अगर और कोई सवाल है तो हम डेफिनेटली डील कर लेंगे। धन्यवाद। मेरे ख्याल से ये चर्चा आज की बहुत ही ज्यादा, हाँ सर, हाँ सर बोलिए, आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। बोलिए सर, आवाज बोलिए, नहीं आ रही है सर आवाज नहीं आ पा रही है। ये चर्चा हम जारी रखेंगे, जैसा कार्निका जी बोल रही हैं कि एक माध्यम है। ये जनरली क्या होता था कि पहले जब हम इस तरह की चर्चा तो करते ही थे, लेकिन ये फॉर द बेनिफिट ऑफ द लार्जर ऑडियंस नहीं होता था। हम लोग जब पांच छह लोग आपस में मिलते थे तो एक मीटिंग करते थे बंद कमरे में एक गोल मेज पर, और फिर एक कोविड के समय एक दौर आया जहां पर कि हम लोगों ने वेबिनार करना शुरू किया, तो वहां पे ये होता था कि सिर्फ एक्सपर्ट्स स्पीकर्स होते थे। तो हम लोगों ने ये सोचा कि हम दोनों को मिक्स नहीं कर सकते हैं क्या, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जो हम जो प्रैक्टिशनर्स हैं फील्ड में, जो फ्रंटलाइन पे काम कर रहे हैं, उनको जब हम एडवाइस देते हैं या दिलवाते हैं, क्या हम उसी को लाइव वेब का टेलीकास्ट नहीं कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये उसी का एक जरिया है, वही एक तरीका है। एक इस तरह से इसको समझना चाहिए कि जो फ्रंटलाइन पे काम कर रहे हैं वो एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं। जस्ट ये है कि ये गोल मेज ना हो करके, ये राउंड टेबल डिस्कशन ना होके हमने उसको यूट्यूब पे लाइव ब्रॉडकास्ट कर दिया। तो ये चर्चा जारी रहेगी। अभी हम देश के और जो संस्थाएं हैं जो इस इशू पे काम करती हैं और जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी ये चर्चा जारी रखेंगे इस विषय पे, क्योंकि ये विषय एक ऐसा है, इसको ये बहुत सबसे व्यापक विषय है, सबसे ज्यादा लोग इससे अफेक्टेड हैं और इसके ऊपर बहुत कम लोग काम कर रहे हैं, बहुत कम संस्थाएं काम कर रही हैं। इसी वजह से जो हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं या जुवेनाइल जस्टिस मैकेनिज्म में जो एजेंसीज हैं उनका भी ध्यान कम जाता है या वो इस विषय को नेग्लेक्ट करते हैं। उन्हें लगता है कि इस पे काम करने वाले या आवाज उठाने वाले कम लोग हैं, इसकी जानकारी कम है, ये इसके बारे में अगर कोई चर्चा नहीं हो रही है तो हम अगर इसके बारे में कुछ संज्ञान नहीं लेते हैं तो ये कोई मीडिया का विषय नहीं होगा, ये कोई पंचायत में नहीं डिस्कस होगा, ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में डिस्कस नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रिंट मीडिया में नहीं जाएगा, ये कोर्ट में सुमोटो नहीं कहीं पर भी संज्ञान लिया जाएगा। तो इस तरह की बातों को अगर हम सिर्फ एडवोकेसी करते रहें और सिर्फ हम अपने मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज को लिखते रहें और क्वासी जुडिशियल बॉडीज को लिखते रहें तो ही ये संभव नहीं होगा।
जब तक जो हमारी जैसी संस्थाएं हैं, डॉक्टर कर्णिका सेठ और राजमंगल सर के जैसे जो संवेदनशील लोग हैं और एक्सपर्ट हैं, इस पर इस तरह से सामने नहीं आते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, हम उनके साथ जुड़ेंगे, बहुत सारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनके साथ जुड़ेंगे, उनके वो जो किस जिस तरह से केस डील कर रहे हैं, उनको जो डिफिकल्टीज आ रही है, क्योंकि वो जैसे भावना ने बताया, जिस तरह से रमनिका ने बताया, सभा ने बताया, वो सारे बहुत यूनिक केसेस थे जिससे हमारे बहुत, और फिर हम उसको अप्लाई करके देखेंगे कि क्या हमारे पास वो लॉ है, प्रोविजंस हैं लॉ के, या जो प्रोसीजरल डायमेंशंस हैं वो हैं क्या। फिर हमें ये भी देखना चाहिए कि जो हमारे पुलिस वाले हैं, चाहे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में जो हैं, या चिल्ड्रन कमीशन में हैं, या वुमेन कमीशन में हैं, उनके पास कितनी जानकारी है, क्या उनको प्रोसीजरल कोई गाइड बुक मिला हुआ है, क्या उनके पास कोई मैनुअल है, क्या उनके पास कोई गाइड बुक है, क्या एसओपी बना हुआ है, क्या वो प्रैक्टिकल रियलिटीज और उनमें वो किसके बेसिस पे बना हुआ है, क्या वो प्रैक्टिकल केसेस के बेसिस पे बना हुआ है। तो इसके बारे में अगर कर्णिका जी आप थोड़ा बता पाए कि हम कहाँ पर हैं, मतलब हमारे पास क्या लिटरेचर उपलब्ध है, क्या, क्योंकि हम ये भी नहीं बोल सकते हैं कि पुलिस वाले काम नहीं कर रहे हैं या हमारी कमिटीज काम नहीं कर रही है, हमें हमारे बात तो नहीं है कि एसओपीज नहीं है, अभी भी हैं एसओपीज, लेकिन मैं जैसे सोचती हूँ कि कम से कम 1-2 लाख पुलिस ऑफिसर्स को मैंने ही ट्रेन करा होगा लास्ट 20 सालों में, और इतना हमने देखा है कि ट्रेनिंग्स के बावजूद, क्योंकि उनकी एक पर्टिकुलर वो पर्टिकुलर यू नो एस्पेक्ट को डील कर रहे होते हैं, और उसके बाद में उनकी कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो जाती है, तो जो कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज है वो और स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए मेरे हिसाब से, और वो बहुत रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए, उसी बैच को दोबारा ट्रेन किया जाए, क्योंकि नई प्रॉब्लम्स टेक्नोलॉजी को लेके हर वक्त नई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नए केसेस हैं, उनको कैसे डील किया जाए, रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग्स चाहिए। और जहाँ तक की एसओपीज हैं, वो हमेशा एक ही एसओपी तो नहीं चलेगी, वो रिवाइज भी होती रहनी चाहिए विद टाइम, बिकॉज ट्रेनिंग्स रिवाइज होंगी तो एसओपीज भी रिवाइज होंगी, तो उनकी जरूरत है डेफिनेटली। और स्पेशली साइबर क्राइम को लेकर के जो है, मैंने देखा कि ये इस विषय पर बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि मोस्ट क्राइम्स आप देखेंगे जो ऑफलाइन होते थे, आज की डेट में थ्रेट भी किसी को करना होगा, ब्लैकमेल करना होगा, एक्सटॉर्शन करना होगा, तो वो भी ऑनलाइन हो रहा है, और रोज हम ऐसे केसेस को डील करते हैं। तो चाइल्ड वुमेन एंड चाइल्ड एम्पावरमेंट स्पेशली एक ऐसा इशू है जिसपे मैं काफी आई वुड से वर्क करती हूँ इस चीज पे, और जब कोई केसेस आते हैं, स्पेशली जब वुमेन एंड चिल्ड्रन को लेकर के साइबर क्राइम हो रहा है, तो उस विषय में उस महिला को मदद मिलना बहुत जरूरी है, और लीगली उसको रिड्रेस मिलना बहुत जरूरी है, लीगल रेमेडी मिलना जरूरी है। तो हमारा एज अ स्टेक होल्डर ये रोल रहता है कि हम सेंसिटाइज करें एट लार्ज पब्लिक अवेयरनेस, फिर हम ट्रेनिंग्स करें, हम कोर्ट्स में उनको न्याय दिलाएं, और हमारी कोशिश स्टेक होल्डर्स एनजीओस के साथ ये रहती है कि हम उनमें भी ये इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करें, ताकि वो हमारे लार्जर एक्सटेंशन बने, क्योंकि एक एनजीओ अलोन मे बी नॉट बी एबल टू डू एवरीथिंग, सब कुछ नहीं कर सकते, और हमें साथ में मिलकर इस चीज को डील करना है, हमें सबको साथ मिलकर करना है। तो जो जिन जिन के पास ये नॉलेज है, चाहे वो एनजीओस हो, चाहे वो इंडिविजुअल्स हो, उनको ये डिसेमिनेट करना बहुत जरूरी है, उनको और लोगों को ट्रेन करना जरूरी है। तो यही विषय पे हम चर्चा करते हैं आज, और मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि ये इस वेबिनार का अंत जरूर होगा, लेकिन एक नई शुरुआत रहे, मैं चाहूंगी कि हम इस चर्चा को जारी रखें, और फील्ड वर्कर्स से बात करें। और अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया क्लेयर के जरिए और शिखा के जरिए हम आज इस चर्चा में शामिल हुए, थैंक यू सो मच, एंड आई लुक फॉरवर्ड, मैं चाहूंगी कि आगे भी हम इस चर्चा पे जल्द ही जुड़े। धन्यवाद, धन्यवाद कर्णिका जी, और राजमंगल सर अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हुए, उनके साथ टेक्निकल इशू था, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, भावना का धन्यवाद, वर्षा, सभा, रमनिका का धन्यवाद, और जो भी संस्थाएं हैं, वर्षा बेसिक फाउंडेशन से जुड़ी हैं, बेसिक फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद, जलाल भाई का धन्यवाद जो उन्होंने एग्री किया कि हम इस पे जुड़ेंगे और इस मुद्दे पे काम करेंगे, सभा का धन्यवाद, सभा AFD एक्शन फॉर डेवलपमेंट से जुड़ी है, योगेश जी का धन्यवाद जो कि डायरेक्टर हैं AFD के, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अग्री किया कि इसके साथ जुड़ेंगे, रमनिका का धन्यवाद और इनकी संस्था
पारदर्शिता है। पारदर्शिता के डायरेक्टर राजीव जी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अग्री किया कि इसके साथ जुड़ेंगे। और ये सारे लोग कर्णिका जी शिका के मेंबर हैं, सेफ एंड हेल्दी इंटरनेट फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट अलायंस के मेंबर हैं, और ये मेंबरशिप धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। और हम नेक्स्ट जो चर्चा करेंगे, जो नेक्स्ट अगले हफ्ते या हम देखते हैं कि कब शेड्यूल कर पाते हैं, तो उसमें वी विल ट्राई एंड ब्रिंग इन चाइल्ड वेलफेयर कमिटी मेंबर्स एंड सम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड मेंबर्स और कुछ फ्रंटलाइन वर्कर्स और दूसरी एनजीओस के होंगे, और कोशिश करेंगे कि इस बार हम झारखंड, वेस्ट बंगाल या आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, वहाँ की कुछ एनजीओस को साथ मिलाएं और वहाँ के जो क्या डायमेंशंस हैं, क्या इश्यूज हैं, उसके बारे में हम चर्चा करें। और ये जितने भी इस तरह के डिस्कशन और कन्वर्सेशन हैं, ये रिकॉर्ड हो रहे हैं और इसका वीडियो रिकॉर्डिंग है। हम इसको इसका ट्रांसक्रिप्शन भी करके इसकी छोटी छोटी रिपोर्ट्स बनाते चलेंगे। तो ये जो पूरा सीरीज होगा, अगर हम उसको बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, तो अपने आप में एक बेस होगा किसी भी तरह के नेक्स्ट एसओपी। आप कहीं और जाती हैं तो फायर एनजीओ के बिहाफ पे और पूरे उसके बिहाफ पे, पूरे अलायंस के बिहाफ पे वो केसेस वोट कर सकती हैं और वो केसेस नए एसओपीज और गाइडलाइंस में जाएं। तो ये सिलसिला जब बढ़ेगा तभी शायद हम कुछ बदलाव ला पाएंगे, क्योंकि अजय जी ने जैसे कहा, मैं एक लॉ प्रैक्टिशनर हूँ, इन केसेस में डील करती हूँ, साइबर क्राइम में डील करती हूँ, लेकिन ये विषय मेरे से इतना जुड़ा है कि मैंने एक एनजीओ सेटअप किया फायर, जिसमें हम वुमेन एंड चाइल्ड एम्पावरमेंट, लॉ एनफोर्समेंट की एम्पावरमेंट कर रहे हैं, और अजय जी के साथ मिलके भी हमने इसमें कई राउंड टेबल्स किए और हमने शिका अलायंस बनाया, जिसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इस पे ज्यादा सेंसिटाइज करें, लोगों को समझाएं, इस चीज के बारे में बताएं। और हमें अच्छा लगेगा कि अगर हम इस चर्चा को इसी तरीके से जारी रखें और स्ट्रक्चर्ड वे में इसे डील कर पाए, चाहे वो ऐसे कोई इसके जरिए हो या वैसे, हम इस पे और काम करना चाहेंगे और बड़े बड़े तौर तक बहुत लोगों तक पहुंचना भी चाहेंगे। तो कोई भी ऐसा विषय हो, आप बाद में इससे डील कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं एंड हम इस पे साथ मिलकर काम करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद सभी का। अभी के लिए बाय बाय और अलविदा, और फिर नेक्स्ट मिलेंगे। और इसका रिकॉर्डिंग इसी लिंक पे होगा, जो भी हमारे दर्शक हैं, ये ऑटोमेटिकली यूट्यूब चैनल पे इसी लिंक पे रिकॉर्डिंग होगा। आप इसकी रिकॉर्डिंग को जरूर देखें और इसको जो लोग थोड़ा सा देख पाए या नहीं देख पाए उन तक इसको पहुंचाएं। और इसके बारे में अगर आप कोई कमेंट इसके बाद भी करना चाहते हैं, इस ब्रॉडकास्ट के बाद, तो इसके नीचे कमेंट रखें, हम नेक्स्ट प्रोग्राम में उन कमेंट को जरूर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। श्योर, थैंक यू सर, थैंक यू।